14 अक्टूबर 1956 एक महान क्रांति का उदय, एक बोधिसत्व का उदय जब हुआ धम्म चक्र गतिमान। भारत की यही है शान, तब से अब तक धम्म चक्र की गतिमानता देखिए। धम्म क्रांति के 57 वर्ष केवल आवाज इंडिया टीवी पर। जय भीम। आवाज इंडिया टीवी में हम इस साल के 57वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पे हमारे अंबेडकरी आंदोलन के जो भी नेता है उन सब की मुलाकात लेने वाले हैं। आज हमारे साथ में स्टूडियो में हैं लॉन्ग मार्च के प्रणेता सर जोगिंदर कवाड़े सर। सर जय भीम। जय भीम। जय भीम सर। वैसे तो ये जय भीम एक भीम सैनिक का भी जय भीम है, क्योंकि लॉन्ग मार्च में जब आपने निकाला था तो मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के लॉन्ग मार्च में आया था। आज हम जोगिंदर कवाड़े सर से बहुत सारी बातें जान लेंगे। वैसे तो इनकी जीवन की खुली किताब है, जो भी उन्होंने संघर्ष किया वो सारे महाराष्ट्र को सारे देश को मालूम है, लेकिन हम उसके साथ में कुछ जो पहलू जो लोगों को मालूम नहीं है थोड़ी उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से खुली छाती करके आपने जिस प्रकार से एक प्राध्यापक की नौकरी छोड़ के खुले मैदान में आए और एक लॉन्ग मार्च ऐतिहासिक निकाला आपने, तो लेकिन ये जो आप में जज्बा, बाबा साहब के लिए जान देने का जज्बा, बाबा साहब के नाम के लिए जान देने का जज्बा आप में जो पैदा हुआ, क्या इस ये संस्कार आपको आपके माँ बाप से मिले? सबसे पहले तो मैं आवाज़ इंडिया टीवी को धन्यवाद दूंगा कि धम्म चक्र प्रवर्तन के 57वें वर्ष उपलक्ष्य में आपने बुद्ध आंदोलन में, दलित आंदोलन में, धम्म आंदोलन में जो भी नेता लोग काम कर रहे हैं उनका साक्षात्कार लेकर आम लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाने का काम जो आवाज़ इंडिया कर रहा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने जो बात कही कि बाबा साहब के विचारों के लिए मर मिटने का जो जज्बा, जो जुनून मुझ में पैदा हुआ, ये मेरे परिवार की विरासत में मिला है मुझे। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था तो उसका विदर्भ का कार्यालय नागपुर में था, जहाँ पर आज आप मोदी लाइन कहते हैं, जहाँ हल्दीराम का जो होटल वगैरह लगा है वहाँ पे एक चाल थी, उसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का ऑफिस था। और नागपुर में जो भी नेता आते थे, चाहे वो दादा साहब गायकवाड़ हो, बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े हो, दादा साहब कुंभारे हो, बीपी मौर्या हो, संगप्रिय गौतम हो, आरडी भंडारे हो, पीसी कामले हो, उस वक्त की बात, बाबूजी आवड़े हो, ये तमाम लोग वहाँ पर आते थे। मेरे लिए गौरव की बात यह है कि उस वक्त बाबा साहब के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नागपुर के मेरे पिताजी लक्ष्मण राव कवाड़े ये ट्रेजरर थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के। और चूंकि हमारा मकान रास्ते पर ही है तो जो भी नेता का आगमन होता था मीटिंगें वगैरह होने के बाद, अक्सर करके हमारे घर में आए बगैर कोई भी नेता जाता नहीं था, फिर खान पान वगैरह था। हमारे पिताजी वैसे भी थोड़े साधु प्रवृत्ति के थे, जब धर्मांतर के पहले दलितों में कुछ पुरोहित लोग हुआ करते थे, सत्यनारायण की पूजा वगैरह, तो मेरे पिताजी को बुलाया करते थे। रामनवमी के दिन बड़ा दही हंडी का प्रोग्राम भी हमारे घर के सामने, कई गाँव से डिंडी आती थी, यानी वो रंग में पिताजी रंगे हुए थे। इसके बावजूद
बाबा साहब के श्री लुकास फेडरेशन के साथ में उनका जो लगाव, नेताओं के साथ में लगाव, उठना बैठना, चर्चा करना, उनकी चर्चा जो घर में आते थे, हम तो छोटे छोटे थे उस वक्त, उनकी चर्चा होती थी, हम सुनते थे, उनसे मिलते थे, बड़ा खुशी होती थी, कभी सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते थे। तो ये और मेरी माँ पार्वती बाई, ये एम्प्रेस मिल के राहत खाते में काम करती थी। अब एम्प्रेस मिल जो था उसमें हमारे दलितों की संख्या में, दलित विशेष जाति का नाम नहीं लूँगा, एक बड़े तौर पर दलितों की बड़ी संख्या में मजदूर लोग वहाँ काम करते थे एम्प्रेस मिल के अंदर में। और लगभग उस वक्त काम करने वाले नागपुर के बहुत सारे बाबा साहब के अनुयायी, सिलकास फेडरेशन के नेता, फिर वो पंडित रेवाराम कवाड़े हमारे ग्रैंडफादर, हमारे पिताजी के चाचा सीताराम जी हड़के महाराज, ऐसे बड़े बड़े लोग जो थे उस वक्त के दबंग नेता थे दलितों के, अंबेडकरी मूवमेंट के, सिलकास फेडरेशन के, वो लगभग मिल में ही काम करते थे एम्प्रेस मिल में। मेरी और वो गढ़ था एम्प्रेस मिल, तो गढ़ था दलित आंदोलन का, सिलकास फेडरेशन के आंदोलन का, बाबा साहब के आंदोलन का एक गढ़ था। और सारी राजनीतिक गतिविधियां सिलकास पर वहीं से चलती थी। मेरी माँ एम्प्रेस मिल के राहत खाते में काम करती थी। अब देखिए उस वक्त के अनपढ़ लोग, मेरी माँ को तनख्वाह होता पैसे नहीं गिनने आते थे उसको, हमारे पास गिनने के लिए देती दो चार रुपए हम ही मार लेते थे उसमें से, काम कर देते थे। लेकिन जज्बा जो बाबा साहब के प्रति और मूवमेंट के प्रति, आंदोलन के प्रति था, सिलकास फेडरेशन के प्रति था, ये लगातार वो क्या कहते हैं उसको, इंकलकेट करना, ठूस ठूस के भरना। फिर हमारे मकान के सामने जहाँ होटल श्याम है, जहाँ धम्म दीक्षा के वक्त बाबा साहब रुके थे, माई साहब, बाबा साहब, चंद महास्तवी चंद्रमणि जी और उनके तमाम लोग वहाँ रुके हुए थे, उसके सामने हमारा मकान है। होटल श्याम बनने के पहले जब हम छोटे थे तो होटल श्याम के बाद में खुला ग्राउंड था, मैदान था, वह हमारी समता सैनिक दल की शाखा होती थी। मेरा बड़ा भाई शिव नारायण, उसके साथ में हमारा यूनिफॉर्म लाल शर्ट रहता था, खाकी पैंट रहती थी, हाथ में लाठी रहती थी, हम शाखा में जाते थे समता सैनिक दल की शाखा में। तो समता सैनिक दल की शाखा में से हमारे माताजी, पिताजी और हमारे तमाम परिवार के लोग शुरू से ही बाबा साहब के इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, सिलकास फेडरेशन से लेकर। और इसीलिए आपको मालूम होगा कि एम्प्रेस मिल का बड़ा सत्याग्रह हो गया था उस वक्त। वसंतराव साठे नेता थे, चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी नेता थे उस वक्त, मजदूरों के नेता थे, मिल कामगारों के नेता थे, उनके नेतृत्व में एम्प्रेस मिल मजदूरों का बड़ा आंदोलन हुआ और कई मजदूरों को जेल में डाला गया। मैं छोटा था, माँ के साथ मैं भी नागपुर के जेल में था उनके साथ में उस वक्त आंदोलन। तब आपकी उम्र क्या थी? होगा मैं करीबन पांचवी छठवीं क्लास में होगा मैं उस वक्त, 10-11 साल का होगा। तो माँ के साथ में मजदूरों के आंदोलन में जेल में भी रह चुका हूँ मैं, ये भी सौभाग्य मिला मुझे। तो ये बचपन से ही जो सेंट्रल क्लास फेडरेशन, हमारे आने वाले महान नेता लोग फेडरेशन के, बाबा साहब के लिए, मिशन के लिए दिलो जान से काम करने वाले सब नेता लोग थे, कार्यकर्ता लोग थे, किसी बात की फिक्र नहीं थी, नौकरी मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, लेकिन बाबा साहब के मिशन के प्रति श्रद्धा उनकी मैंने देखा। ये संस्कार बचपन से ही हम पर होते गए। और एक किस्सा मैं सुनाता हूँ, यानी शिक्षा के प्रति मेरे पिताजी थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, अंग्रेजों के स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे, चौथी पाँचवीं क्लास तक तो लिखना पढ़ना आता था, ग्रंथ भी पढ़ते थे, रामायण महाभारत भी पढ़ते थे, बड़े ग्रंथ हमारे घर में सब भगवान देवी देवता वगैरह सारे साथ में थे। वो शालिग्राम नाम का भगवान होता है ना, काला पत्थर, वो भी हमारे घर में था। मेरे पिताजी कीर्तनकार भी थे, कीर्तन करने जा, अपने समाज में जो कीर्तन होते कीर्तन करने जाते थे, किसी के घर में पूजा हो उसमें सत्य पूजा करने जाते थे।
अरे तमाम एक जैसे हिंदू साधुओं के जो कार्यक्रम चलते थे मेरे पिताजी करते थे उसको अपने दलितों में महारों में। ये देखिए ये सब होने के बावजूद भी बाबा साहब ने जो श्री लोकनाथ फेडरेशन के माध्यम से चाहे महाड़ का चौदार का तालाब का आंदोलन बाबा साहब का जहाँ से शुरुआत हुई, बाबा साहब के आंदोलन के जीवन की शुरुआत जहाँ से हुई, तब से लेकर जो भी आंदोलन चले हर आंदोलन में मेरे पिताजी पंढरपुर भी यात्रा करते थे उस वक्त, यहाँ से पैदल जाते थे पंढरपुर तक। पढ़ाई के बारे में जो जज्बा था उसके बारे में कुछ वो बता दो। तो ये जो मैं ये बात बताते बीच में रह गया कि मैं हमारे महानगर पाली नगर पालिका के स्कूल में बूटी स्कूल थी, बूटी प्राइमरी स्कूल, अभी बर्डी पर है वो, अभी भी चल रही है सीटागी के सामने में जो है वो, वहाँ मैं पढ़ता था। अब हम बचपन में अल्लड़पन था स्कूल को बंक करके, बाजू में नागनदी, उस वक्त बड़ी सुंदर नागनदी थी, तो दो तीन दिन लगातार मैं स्कूल नहीं गया, चार्ट मार के अपने साथियों के साथ में नदी में तैरने के लिए नागनदी में, तो तीन दिन मैं नहीं गया। तो हमारे गुरुजी, हमारे क्लास टीचर, तीन दिन भैया जोगिंदर क्यों नहीं आया, उस वक्त गुरुजी भी अच्छे थे, बड़ा ध्यान देते थे बच्चों की तरफ में, वो घर में आए, मेरी माताजी मिल से छूटकर घर में आई थी, उसने पूछा पार्वती भाई तुम्हारा लड़का जोगिंदर कोई बीमार वगैरह है क्या, नहीं तो बोले तीन दिन स्कूल में नहीं आ रहा। उतने में मैं नदी में से वो अपना बस्ता वस भरा और स्कूल स्कूल टाइम भरा घर पहुंच जाता था मैं, नहीं बोले रोज़ तो दफ्तर बस्ता लेके जाता है स्कूल में, और स्कूल जब छुट्टी है तो भरा स्कूल छूटने के टाइम में आता है घर में। जब ये कंप्लेंट ये तकरार हमारे गुरुजी ने मेरी माँ के पास की, और जब मैं घर में पहुँचा गुरुजी जाने के बाद में, मेरी माँ ने इतना मारा, मैं अकेला, मेरा बड़ा भाई एक था और सबका, छः बहनों के बाद में मैं हुआ, मेरी छः बहनें, सबसे लाडला, सबसे प्यारा, सबसे दुलारा मैं था, इतना मारा मुझे, इतना मारा, एक कमरे मुझे बंद कर दिया और खाना भी नहीं दिया मुझे, रात भर खाना नहीं दिया मुझे, दरवाज़ा बंद कर दिया कड़ी कुरूप लगा के, उधर मैं भूखा पैसा, इधर दरवाजे के पास मेरी माँ रोते हुए बैठी हुई, माँ ने दरवाज़ा खोला और सीने से लगा कर कहा भैया मैंने तुझे बाबा साहेब सारखा व्हायचा है का नहीं, असा साडीला चाट मारू कसं काय बाबा साहेब सारखं बनशील, मैंने बड़े प्यार से समझाया। अरे इसके बाद बोले मेरे पास कमरे मारू ना टाकिन, मैंने तो मार डालोगे बोले, जब तब से कभी स्कूल हो कॉलेज हो कभी मैं कभी बंक नहीं किया कभी। तो ये अनपढ़ होने के बावजूद भी बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये जो मंत्र थे हमारे अनपढ़ लोगों के भी दिलो दिमाग ये छाए हुए थे, मेरे ही माँ को नहीं, बाबा साहब पर श्रद्धा रखने वाली हर माँ हर बाप को लगता कि मेरा बेटा बाबा साहब जैसे होना चाहिए। ये झोली लेकर कंधे पर टांग कर आज तक मैं चल रहा हूँ। अब मैं कॉलेज, मेरे पास साइकिल नहीं थी, माँ मिल में काम करती थी, शाम के वक्त जब आती थी तो सब्जी भाजी बेचने लग जाती थी घर चलाने के लिए, पिताजी से कुछ काम वाम होता नहीं था क्योंकि साधु प्रवृत्ति के आदमी थे। तो बूटी स्कूल से मैंने चौथी कक्षा पास की, फिर कुरिजो मॉडल हाई स्कूल में दाखिला लिया हमारी शंकर नगर ब्रांच जो है इधर में, शंकर नगर धर्मशाला ब्रांच थी टेकड़ी लाइन के ऊपर, वहाँ से फिर कुरिजो मॉडल के यहाँ पर आया, बर्डी ब्रांच पर आया। पहली बार मैं वो स्कूल का रिकॉर्ड ऐसा है कुरिजो मॉडल का, तीन ब्रांचेस है उसके, एक शंकर नगर धर्मशाला की ब्रांच,
एक बरडी वाली ब्रांच कुमाटोली के बाजू में जो है, और तीसरी श्रद्धानंद पेट, ये तीन हमारे स्कूल की ब्रांचेस थी। कुरवेज हमारे कुरवेज में मॉडल के बी कुरवे हमारे हॉल के अंदर पहली बार मैंने बाबा साहब के महानिर्वाण दिन का समारंभ वहाँ पर पहली बार, इसके पहले कभी स्कूल में होता नहीं था। बाबा साहब के महानिर्वाण दिन की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है स्कूल की तरफ से, और वहाँ भाषण करने का मेरा पहला ही मौका था। स्कूल के बच्चे आप जानते कैसे, हमारे प्रिंसिपल संस्थापक अध्यक्ष बड़े ही मिलनसार, बड़ा बच्चों के तरफ ध्यान देने वाले। तो हमारे स्कूल का चुनाव होता था तीनों ब्रांच के मिलकर, जनरल स्कूल कैप्टन, जनरल सेक्रेटरी का चुनाव, मैं चुनाव लड़ा और तीनों ब्रांच का स्कूल कैप्टन करके चुन के आया मैं। परंपरा ऐसी थी हमारे स्कूल की कि जब स्कूल शुरू होती थी सारे बच्चे लाइन से खड़े हो जाते थे, और स्कूल कैप्टन करके हेडमास्टर के बाजू में खड़ा होता था और मैं आदेश देता था बच्चों को, सावधान करेंगे सावधान, एक साथ राष्ट्रगीत गाएंगे, और फिर राष्ट्रगीत होने के बाद अपने अपने स्कूल ये। और उसी वक्त जनरल स्कूल कैप्टन स्कूल का होने की वजह से पहली बार हमारे स्कूल के हॉल के अंदर में, अभी बड़ा हॉल है वहाँ पर, कोई ज़्यादा देखभाल कोई करता नहीं, अभी बड़ी अवस्था कुछ ठीक नहीं है वहाँ की, हॉल के अंदर पहली बार मैंने बाबा साहब के महानिर्वाण दिन का समारंभ वहाँ पर किया पहली बार, इसके पहले कभी स्कूल में होता नहीं था। बाबा साहब के महानिर्वाण दिन की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम मैंने स्कूल की तरफ से लिया, और वहाँ भाषण करने का मेरा पहला ही मौका था। अब स्कूल के बच्चे आप जानते कैसे भाषण करेंगे, क्या करें, बाबा साहब की किताब वगैरह पढ़कर तो छोटी छोटी बातें थी उनकी। फिर कॉलेज में नहीं, लेकिन एक ये कुरवेज न्यू मॉडल हाई स्कूल में तो तब के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत बड़ी स्कूल मानी जाती थी, उस इसमें एक अस्पृश्य जाति का लड़का कैप्टन बन रहा, क्योंकि इसके पहले तो ऐसा नहीं हुआ होगा। हमारे स्कूल की खासियत ये थी कि नागपुर के जितने भी स्कूल आज जो बड़े नामचीन स्कूल है, बड़े बड़े नाम जिन, वो सारे के सारे स्कूल दलितों के ही बच्चों से बड़े बने हैं, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो। उस वक्त भी हमारे इमामबाड़ा, रामबाग, बरडी के बोलो, तेलीपुरा के बोलो, माड़ीपुरा के बोलो, अड़ोस पड़ोस के हमारे आदिवासी बच्चे, उनकी संख्या ज़्यादा थी उसके अंदर में, पिछड़े वर्गों की संख्या, हमारे विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा थी। और फिर मैं भी स्कूल में इतना प्रोफेसर, इससे मिलना उससे मिलना, ये ब्रांच में जाओ ब्रांच में जाओ, तो थोड़ा सा विद्यार्थी में जरा प्रिय था, आप लोग प्रिय थे, तो उसका फ़ायदा मुझे मिला। तब तो कोई ये जातिवादी का विद्यार्थी में कोई ये नहीं था कोई भी, सभी ने मिलकर मुझे चुन कर लिया। तो ये स्कूल के भी संस्कार बड़े अहम हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारी मराठी पढ़ाने वाली दामले मैडम थी, बड़ा मुझे प्यार करती थी वो, और श्रद्धानपीठ में रहती है। आज भी अखबारों में मेरा नाम जब आता है तो उसका फ़ोन मुझे आता है, जोगेंद्र कसा है, कैसे हो, क्या चल रहा है, आज पेपर में नाम पढ़ा, आज पेपर फोटो देखा, आज भी। तो आज भी हमारे जो स्कूल के टीचर है जो अभी जिंदा है, हमारे दामले मैडम का नाम मैंने बताया आपको, मालती दामले, बड़ी प्यार करने वाली हमारी मैडम थी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे के बी कुरवे साहब थे, बड़ा चाहते थे हमें, उनकी मिसेज डॉक्टर थी, बड़े चाहते थे हमें, तो सभी से बड़ा प्यार मिला, बड़ा स्नेह मिला, और जिसे हम छात्र दशा के अंदर में जो नेतृत्वगण जिसे कहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, वो डेवलप करने का मौका स्कूल लाइफ से मुझे प्राप्त हुआ। और फिर जब मैं कॉलेज में आया तो रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़ा, हमारे दलित विद्यार्थियों की बड़ी संगठन थी, उनके बड़े बड़े सभी कॉलेजेस में हमारी शाखाएं थी, हमारे चुनाव भी होते थे, रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन के चुनाव भी होते थे,
बहुत सारे हमारे जाने माने मित्र लोग वहाँ के, कोई अध्यक्ष बना, कोई सेक्रेटरी बना, काफ़ी बोलबाला था पूरे विदर्भ के अंदर में, रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन इवन मराठवाड़ा के अंदर में काफ़ी बोलबाला था हमारे। अभी डिफंक्ट हो गई, बहुत बुरा लगता है। अच्छा विद्यार्थी संगठन अभी वो नहीं बचा, नहीं के बराबर अभी रहा, तो बड़ा दुख होता है हमको। हम उसके संगठन के सदस्य थे, आंदोलन हो विद्यार्थियों के, एक शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए एक व्हाइट पेपर निकला था, श्वेत पेपर पत्रिका निकली थी, इसका काफ़ी विरोध किया। नागपुर में बहुत बड़ा जुलूस हमारे विद्यार्थियों का, रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन के नेतृत्व के अंदर में बहुत बड़ा जुलूस निकला कि ये जो श्वेत पत्रिका आई है ये गरीब दलित पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचाने वाली है, ये नहीं आना चाहिए। इसका बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया। इसके साथ साथ रिपब्लिकन फेडरेशन एक भी और का आंदोलन चलाया कि बाबा साहब का जन्मदिन ये विद्यार्थी दिन हो, छात्र दिवस करके देश में मनाया जाए या हमारे महाराष्ट्र में मनाया जाए, ये मांग के लिए भी हमने काफ़ी आंदोलन रिपब्लिकन फेडरेशन के माध्यम से। तो ये आंदोलन के जो तरीके हैं, फिर चुनाव, कॉलेज में चुनाव होते थे, फिर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव होते थे, तो विद्यापीठ के छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस की एक संगठन था, बीजेपी का एक संगठन था, जब जनसंघ था उस वक्त का संगठन था, विद्यार्थियों का छात्रों का संगठन था, कम्युनिस्टों का संगठन था, उसके साथ साथ रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन के एक अहम महत्व था, बड़ा महत्व था उस चुनाव में। रिपब्लिकन स्टूडेंट लड़ते थे, एक बार तो हमारे हेमंत खोबरागड़े, आप नाम सुना होगा, मॉरिस कॉलेज में पढ़ते थे, छात्र संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद का चुनाव वो जीते, हेमंत खोबरागड़े। ये पहली वक्त ऐसा हुआ नागपुर विद्यापीठ के छात्र संघ के अंदर में हेमंत खोबरागड़े हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष बने, चुनकर आए। तो ये विद्यापीठ की जो राजनीति चलती थी, छात्रों की राजनीति जैसे कहते हैं हम, राजनीति नहीं करें पर चुनाव आ गए तो राजनीति का शब्द आ ही जाता है, तो छात्रों की जो राजनीति चलती थी उसमें भी रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन के माध्यम से हमें काफ़ी काम करने का मौका, उसके भी संस्कार हम पर है, आंदोलन के संस्कार हम पर है। फिर कॉलेज में लेक्चरर बना मैं, देखिए वो भी बड़ा अजीब दास्तान है। जब मैं बीकॉम ग्रेजुएट हुआ जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो भी हमारे एमजी बोकरे जैसे लोग थे, वामनराव चौरघड़े जैसे साहित्यकार हमारे लेक्चरर थे वहाँ पर, वीके जैन जैसे अकाउंटेंट के बड़े जाने माने प्राध्यापक थे, हम अध्यापक थे, हमें बड़ी बड़ी हंसते, चरडे साहब थे, प्रोफेसर चरडे जी थे, एम डब्ल्यू बेलगे जी थे, ऐसे बड़े बड़े छुट्टी के लेक्चरर हमारे जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, बड़ी मानी जानी संस्था थी उस वक्त, एक नागपुर में और एक वर्धा में ब्रांच है उसकी। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ, अच्छा हमारे माँ बाप पूछते नहीं थे, हमको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था कि मैट्रिक होने के बाद क्या करना चाहिए, आप क्या हमारे बच्चे लोग भाग्यशाली है कि बाप बताता है, माँ बताता है, पेरेंट बताते हैं कि इस लाइन में जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, कौन सी डिसिप्लिन में जाना है, वो अपने बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं या दूसरे लोग मार्गदर्शन करते हैं, उस पर कोई भी करना है। और फॉर्म भर दिया, हम एडमिशन हो गए, हमको नहीं मालूम था क्या करना है। जीएस कॉलेज गया, कॉमर्स कॉलेज में दाखिला लिया हमने, और वहाँ पर भी ये हमारी गतिविधियाँ रिपब्लिकन फेडरेशन की चलते रही थी, शाखा वहाँ भी बनाया मैंने अपने कॉलेज के अंदर। तो ये गतिविधियाँ और विद्यापीठ छात्र संघ के चुनाव में भी रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन के माध्यम से हमने काफ़ी हिस्सा लिया, बड़ा काम किया, बड़े आंदोलन भी विद्यार्थियों के, छात्रों के लिए, दलित छात्रों के लिए, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए हमने बहुत सारा काम उस वक्त हमारे रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन ने किया। तो ये आंदोलन के संस्कार जो है, संघर्ष के संस्कार जो है, इसके साथ साथ और एक बात थी कि जब भी दलितों पर अन्याय अत्याचार होते थे, बिल्ची कांड आपको जानता हो, बिहार में जो बिल्ची कांड हुआ, इंदिरा जी हाथी पर बैठ कर गई थी वहाँ पर, इधर में एक कांड हुआ अकोला में, कवई बंधु की आँखें फोड़ दी गई थी। तो ऐसे जब दलितों पर होने वाले अन्याय अत्याचार जुल्म के, जब इस प्रकार के जब घटनाएँ होती थी, तो जो भी आंदोलन यहाँ पर होता था उस आंदोलन में बड़े दमखम के साथ पूरे हमारे साथियों के साथ में हम हिस्सा लेते थे, कहीं तोड़फोड़ करके पत्थरबाजी करना ये सब करते थे, जो भी करना है सो करते थे, ताकि सरकार का ध्यान इस तरफ जाए, ताकि सरकार हमारे लोगों की हिफाजत करे, सुरक्षा प्रदान करे। तो ये कॉलेज जीवनी साहब, मैं जब ग्रेजुएट्स की बात कर रहा था,
ग्रेजुएशन के अंदर में होने के बाद में क्या करना चाहिए, फिर एमकॉम करना था, पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, तो कोई बताने वाला तो था नहीं। लेकिन एक बात मैंने ठान लिया था, तब 1964 में दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाविद्यालय 1964 में शुरू हुआ था, तब से मेरे दिमाग में एक बात थी कि हमें कुछ नहीं बनना है, बस टीचर बनना है, और वो भी दीक्षा भूमि के कॉलेज में टीचर बनना है, कॉलेज के प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है। उस दिशा में फिर हम 1964 में ग्रेजुएट हुआ, 63 में ग्रेजुएट हुआ, और पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम करने के बाद वैसे बहुत अप्लाई करते रहता था इधर उधर, लेकिन मन नहीं लगता था। बहुत सारे इंटरव्यू कॉल मुझे आए, सेल्स टैक्स ऑफिसर के कॉल आए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कॉल आए, रेलवे के कॉल आए, मैं कभी गया नहीं कोई इंटरव्यू के लिए। दिल में एक ही बात थी कि बस टीचर बनूँ, और वो भी बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज, क्योंकि हमारे कॉलेज में काम करे प्रोफेसर डोंगरे, मधुकर डोंगरे थे, प्रोफेसर प्रेमानंद नगराड़े जी थे, अनंता नगराड़े जी थे, बाद में शुगर सेक्रेटरी बने, देश के जो शुगर डिपार्टमेंट होता है उसके जो सेक्रेटरी बने, कॉलेज छोड़ के गए। हमारे नगराड़े साहब भी कॉलेज छोड़ के फिर सेल्स टैक्स कमिश्नर बन गए, डोंगरे साहब थे, मधुकर जी डोंगरे प्रोफेसर, ऐसे हमारे इनके संपर्क में हमेशा रहता था मैं। और ग्रेजुएट होने के बाद एक मिनट, हम आपसे इस बारे में और जानकारी लेना लेंगे जरूर, लेकिन ये जो जज्बा चला बचपने से, जो माँ ने संस्कार दिया मार के और खुद रो के, जैसे कि आपके आँख में भी हमने पानी देखा जैसे माँ की, वो याद आपको आई, और वो जो संस्कार मिला कि आपको बाबा साहब जैसा होना है, ये संस्कार आपको आपके जीवन में पूरे दिनों तक काम में आया। और आप जैसे अभी कॉलेज लाइफ की बात कर रहे हैं कि जैसे कॉलेज में आपको एक आपके दिल में एक जुनून सवार हुआ कि मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कॉलेज में ही लेक्चर बनना है। इस बारे में हम और जानकारी बाद में आपसे लेंगे, अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति की तरफ से कॉलेज चलाया जाए, शिक्षा भी देखभाल करते हैं। सौभाग्य से मेरा सिलेक्शन हुआ और 1967 मैं वहां पर लेक्चर करने लगा। अक्टूबर 1956 एक महान क्रांति का उदय, एक बोधिसत्व का उदय जब हुआ धम्म चक्र गतिमान, भारत की यही है शान। तब से अब तक धम्म चक्र की गतिमानता देखिए। धम्म क्रांति के 57 वर्ष केवल आवाज इंडिया टीवी पर। जय भीम, ब्रेक के बाद में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हम आज सर सेनापति प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर जी से वार्तालाप कर रहे, मुलाकात ले रहे उनकी, और जैसे कि जिस आदमी ने लॉन्ग मार्च निकाला जिसको सर सेनापति कहा जाता है, लेकिन जब माँ की याद आती है तो उसी सर सेनापति के आँख में आंसू भी आते हैं, ये हमने पहले दौर में देखे। और वो जज्बा कि बाबा साहब जैसा आपको बनना है, इस संस्कार से आगे चल के ये जज्बा कवाड़ी सर में पैदा हुआ कि मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज जो दीक्षा भूमि पे है वहाँ पे लेक्चर बनना है, तो इस बारे में आगे क्या हुआ? मैं एमकॉम की डिग्री लेने के बाद अंबेडकर कॉलेज की जाहिरात आई, अब वहाँ के अध्यक्ष गवई साहब, पहले दादा साहब थे, बाद में गवई साहब बने, दादा साहब कुंभारे कार्य अध्यक्ष थे,
फुलझेले साहब थे, गानार साहब थे, तमाम बड़े बड़े लोग वहाँ पर थे। स्मारक समिति की तरफ से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति की तरफ से कॉलेज चलाया जाता, दीक्षा को देखभाल करते थे, ये ट्रस्ट था उनका। सौभाग्य से मेरा सिलेक्शन हुआ और 1967 में मैं वहाँ पर लेक्चर करके काम किया। कॉलेज की भी बड़ी उपलब्धि है, वहाँ पर सभी नेता लोग आते थे उस वक्त, ये ज़्यादा फुटम फाट नहीं थी उस वक्त, सभी नेता लोग आते थे वहाँ दीक्षा भूमि पर। कॉलेज होने के बाद फिर हम सब लोग कुर्सियाँ डालकर बैठे थे, मैनेजर को फ़र्क ही नहीं था हमें, कोई कुमारे साहब हो, गवई साहब हो, गानार साहब हो, फुलझेले साहब हो, कभी दादा साहब आते थे, उनकी चर्चा होती थी, बातचीत होती थी, उसका बड़ा प्रभाव पर होता था। फिर कभी बीपी मौर्या जी आ गए, संगप्रिया गौतम जी आ गए, कभी मुंबई के नेता आ गए, तो दीक्षा आना जाना उनका लगा रहता था। कभी भदंतानंद कौशलैन खास श्रीलंका से बुलाकर उनके लिए भिक्षु निवास बनाया गया, वहाँ पे वो थे, उनका भी हमेशा हमें धम्म के लिए बड़ा मार्गदर्शन मिलता था। तो पूरे बाबा साहब के विचारों में, बाबा साहब ने दिए हुए धम्म के रंग में इतने रंग चुके हैं, शायद मरने के बाद में रंग नहीं उतरेगा, कई जन्मों तक नहीं उतरेगा, नहीं उतरना चाहिए। मैं खोपड़ागढ़ साहब एक बात आपको बता दूँ, मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता हूँ कि बाबा साहब के कौम में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ऐसी कौम जो समता, स्वाधीनता, भाईचारा और मानवता में विश्वास करते हैं, ऐसी कौम में, लेकिन शोषण के विरोध में, सर्व प्रकार के शोषण से विरोध करने वाले बाबा साहब के कौम में पैदा होना अरे गहरे का काम नहीं है। आगे ख्याल में हम पुनर्जन्म में या पिछले जन्म विश्वास नहीं रहते, लेकिन अगर होगा तो पूर्व जन्म की कई पुण्याई होगी शायद, तब जाके बाबा साहब की कौम में पैदा होने का मौका, मुझे सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, ये मानने वाला मैं हूँ। अंबेडकर कॉलेज में दीक्षा भूमि के अंबेडकर कॉलेज लगने के बाद में हर क्लास में, डिग्री कॉलेज था हमारा, तभी 11वीं 12वीं शुरू होने का था, जूनियर कॉलेज नहीं था हमारा, डिग्री कॉलेज था। तो प्री यूनिवर्सिटी से लेकर, तब हमारा पीजी भी शुरू नहीं हुआ था, तो बीकॉम फाइनल तक मेरे जो क्लासेस चलते थे, हर हफ्ते में हर क्लास में शनिचर के दिन मेरा पढ़ाता नहीं था उस वक्त, केवल बाबा साहब, भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, ये बताता था मैं, सिर्फ महापुरुषों के, हाँ, इनके यही क्लास लेता था, जिसे मॉरल क्लास कह सकते हैं। अब सभी जाति धर्म के लोग थे, विद्यार्थी हमारे छात्र थे सभी को, और आखिरी के दिन, बाकी क्लासेस में कम आए गए लोग, लेकिन उस दिन सभी लोग विद्यार्थी छात्र उपस्थित रहते थे, प्री से लेकर तो बीकॉम फाइनल तक की क्लास में, हर हफ्ते के शनिचर को मेरा ये प्रोग्राम होता था, मैं पढ़ाता रहता, सिर्फ यही पढ़ाता था, प्रबोधन का, और बच्चों में काफ़ी प्रभाव भी होता था। और सबसे खुशी की बात यह है, मैं इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, भारतीय अर्थशास्त्र। अब बाबा साहब ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या काम किए कितने लोगों को मालूम है? भारतीय अर्थशास्त्र के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में जो योगदान बाबा साहब ने भारतीय व्यवस्था के लिए दिया, चाहे रुपया हो, चाहे कृषि हो, चाहे किसान हो, चाहे खेतिहर मजदूर हो, चाहे हमारे खेती का क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ लैंड एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, अपखंडन जिसे कहते हैं, पहले तो विभाजन, बाद में उसके भी टुकड़े टुकड़े, तो हिल्टन एंड कमीशन, किसी को मालूम नहीं, किसी अर्थशास्त्र किताबों में नहीं, पढ़ने के लिए इंडियन इकोनॉमिक्स की किताबों में नहीं है। तो मैं रेफरेंसेस देता था, जब मैं इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाता था तो बाबा साहब के रेफरेंसेस देता था, और बच्चे परीक्षा में भी ये रेफरेंसेस लिखते थे, बड़ी बड़ी खुश होती। आज भी भारतीय अर्थशास्त्र के रूप में जो भी पढ़ाया जाता है, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में हो, मुझे नहीं लगता किसी की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र की किताबों में बाबा साहब का ही उल्लेख होगा, कुछ होगा। लेकिन मेरे कॉलेज के अंदर में, मेरी क्लासेस, प्री यूनिवर्सिटी, जो भी अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ प्री यूनिवर्सिटी को,
बीकॉम पार्ट वन में भारतीय अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ, बीकॉम पार्ट टू में पढ़ाता हूँ, बीकॉम फाइनल पढ़ाता हूँ अर्थशास्त्र पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसमें जो भी टॉपिक आता था उसमें हर टॉपिक में, चाहे फिर वो जिसे कहते हैं ना मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय नदी खोरे योजना, ये संकल्पना किसकी थी? ये संकल्पना बाबा साहब की थी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन किसको मालूम है? तो ये मल्टीपर्पज रिवर वैली कॉरपोरेशन की जो संकल्पना बाबा साहब ने रखी कितने लोग जानते हैं? शायद अर्थशास्त्री लोग भी नहीं जानते होंगे। ये सारी बातें यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बाबा साहब का क्या योगदान रहा, चाहे रुपए का अवमूल्यन हो, आज जो रुपए की कीमत घसर रही है धीरे धीरे कम होते जा रही है, डिवेल्यूएशन हो, मंदी हो, रिसेशन हो, इस हिल्टन एंड कमीशन और खेती के बारे में बाबा साहब ने जो कहा, क्रॉप प्लानिंग के बारे में बाबा साहब ने कहा। सर ये तो बातें, क्योंकि बाबा साहब के बारे में जब हम बताने जाते हैं और अर्थशास्त्र के बारे में बताने जाते हैं, और आप तो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक, ये बातें तो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन एक हम जब जिस तरीके से सर जोगेंद्र कवाड़ी जी के अंतरंग में जाना चाहते हैं, हमने ये देखा कि जो जोगेंद्र विद्रोही बना, जिसके खून के हर कतरे में जिसके जय भीम का आवाज़ गूंजा, तो ये जोगेंद्र जो है जिसने बाबा साहब ने जो हमें नकारने की ताकत दी, नहीं बोलने की ताकत दी, इस व्यवस्था को बदलने की ताकत दी, ये विचार दिया, और ये विद्रोही जोगेंद्र कवाड़े उस जमाने में अंतर जातीय विवाह करता है, तो इस बारे में जरा इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। मेरे पिताजी लक्ष्मण राव कवाड़े, लक्ष्मण जगुजी कवाड़े, मैंने पहले भी आपको उनके बारे में बता दिया है, उनकी श्रद्धा, बाबा साहब कमीशन के प्रति उनकी श्रद्धा, धर्मांतर की घोषणा बाबा साहब ने की, घोषणा तो कर दी येवला में 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने घोषणा की, हिंदू करके हिंदू धर्म पैदा हुआ और हिंदू करके मरूंगा नहीं, ये घोषणा की। और उसके बाद में जब क्लियर किया बाबा साहब ने कि मैं बुद्ध धर्म का ग्रहण करूँगा, हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म का स्वीकार करूँगा, ये जब बाबा साहब ने घोषणा की, तो मेरे पिताजी शायद नागपुर जिले के, विदर्भ के या महाराष्ट्र के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1955 में ही बुद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। आगे है भदंत आनंद कौशल जी के, वही होटल श्याम के पीछे में हमारा ऑफिस था, वामनराव गोडबोले वगैरह का, हमारे पंडित रेवाराम कवाड़े हमारे ग्रैंडफादर अध्यक्ष थे, वामनराव जी गोडबोले जनरल सेक्रेटरी थे, माडो पंचभाई जी थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, तिरपुड़े जी थे, वसंतराव मून भी थे उस वक्त, ये बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग लोग थे उस वक्त। तो मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि जो मेरे पिताजी के नस नस में हिंदू धर्म के जो संस्कार भरे हुए थे, जो साधु के नाम से जाने थे, वो प्रवचन कीर्तन करता था, सब प्रकार के भगवान और ग्रंथ हमारे पास में घर में, कभी रामायण की कथा सुना रहे, कभी महाभारत की कथा सुना रहे, कभी गीता की पठन कर रहे हैं, एक चमत्कार देखिए कैसा होता है, यानी बाबा साहब का शब्द बोले तो उनके लिए काले पत्थर की रेखा थी। जब क्लियर हो गया बाबा साहब ने कहा कि मैं बुद्ध धर्म का स्वीकार करूंगा, तो 1955 में हमारे बुद्ध महासभा का दफ्तर जो था, बुद्ध जन समिति का दफ्तर था उस वक्त, वहाँ पर भदंत आनंद कौशल जब भी आते थे वहाँ रुकते थे, उनके हाथों से मेरे पिताजी ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, शायद पहले व्यक्ति है महाराष्ट्र के अंदर में। और हम छोटे देख रहे थे उस वक्त, तो मैं 7वीं कक्षा में होगा उस वक्त, तो समझ थी थोड़ी बहुत, एक बड़ी चादर ली हमारे पिताजी ने दीक्षा लेने के बाद, जितने भी भगवान थे, ग्रंथ थे, सब कुछ थे, सारी इकट्ठा किए मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, उसमें जमा किए, उसकी गठरी बांधी और नाग नदी में जाकर उसका विसर्जन कर दिया, और तब से धम्म की पढ़ाई मेरे पिताजी ने शुरू की। हम देख रहे थे सब, ये जो परिवर्तन हो रहा था देख रहे थे, इसका भी परिणाम बहुत हम पर हुआ।
और बौद्धाचार्य कहा जाता था। उसके बाद में मेरे पिताजी ने धम्म का अध्ययन किया, पढ़ना तो आता ही था उनको, और जब भी शादियाँ होती थी उसके बाद में बुद्ध धर्म के पद्धति से, तो वहाँ मेरे पिताजी बौद्धाचार्य करके शादी लगाने के लिए जाते थे, या कहीं प्रवचन करना वहाँ जाते थे, धम्म का प्रवचन करते थे। और जब दीक्षा भूमि तय हुई, यहाँ पर दीक्षा समारोह होगा, जगह तय हो गई माता कचहरी के पास, कि आज जो दीक्षा भूमि दिख रही, अशोक विजयादशमी के अवसर पर 14 अक्टूबर को, जहाँ बाबा साहब ने न भूतों न भविष्यति ऐसा धर्मांतर किया, बुद्ध धर्म का ग्रहण किया और लाखों लोगों को धम्म की दीक्षा दी, उसकी तैयारी के लिए वो जगह सिलेक्ट हुई दीक्षा भूमि की, वहाँ काम शुरू करना था क्योंकि दीक्षा समारोह होना था, तो उसका भूमि पूजन समारोह। प्रश्न ये था कि किसके हाथों, कोई भिक्कू भी नहीं था उस वक्त, उपलब्ध नहीं था, किसके हाथों से किया जाए, तो वामनराव गोडबोली ने बोला कि हमारे पास में लक्ष्मणराव जी कवाड़े हैं, जो हमारे महाराष्ट्र के पहले बौद्ध हैं, उनके हाथों से, मेरे पिताजी के हाथों से दीक्षा भूमि का भूमि पूजन हुआ। कितनी है अभी बहुत लोग, ये वामनराव गोडबोली किताब में आई ही बातें, वामनराव गोडबोली जी का जो चरित्र लिखा हुआ है उन्होंने, उस किताब में उन्होंने उल्लेख किया है। मेरा कहना और उनका, उनकी बात तो अलग है ना, ऑथेंटिक जिसे कहते हैं, अपने मियाँ, अपने मुँह मियाँ मिट्टू सभी लोग होते हैं, मेरे पिताजी ने ये किया वो किया मुँह किया तो मुँह के बताए बहुत लोग होते हैं, लेकिन क्या किया ये वामनराव गोडबोली के चरित्र में, ग्रंथ में लिखा है कि ये बहुत होल्ला हुआ ना, होल्ला इसलिए हुआ कि ये जो भूमि पूजन समारोह चल रहा था मेरे पिताजी के हाथ से, पहले बौद्ध महाराष्ट्र के, तो वैसे और नियोगी साहब थे, जस्टिस नियोगी, भवानी शंकर नियोगी, वो वहाँ से सवेरे घूमने जाते थे, वो बस वो रस्ते से जाना जाना होता था, वो भी वहाँ खड़े होकर देख रहे थे क्या चल रहा है, उन्होंने बाबा साहब से दीक्षा ली थी उस वक्त, तो लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि ब्राह्मण के हाथ से भूमि पूजन किया, हिंदू के हाथ से भूमि पूजन, ब्राह्मण के हाथ से, बाबा साहब के पास कंप्लेंट की गई। तब वामनराव गोडबोले जी ने बाबा साहब के पास दिल्ली में गए, उनको बताया मेरे पिताजी के बारे में, ये पहले बौद्ध है हमारे, उसके भजन तारण कौशल्य जी के हाथों इन दीक्षा ली है उनके हाथों से, तब बाबा साहब लेकिन सीखने का, आंदोलन करने का, छात्रों को साथ में लेकर उनका प्रबोधन करने का, और साथ में बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया, जब मैं बता रहा था आपको, मैं 8वीं कक्षा में था, हम वॉलंटियर थे, मैं धम्म के संस्कारों की बात हो गई, और तब से लेकर हम बाबा साहब ने दिए हुए धम्म के संस्कारों में रंग, मैं धम्म दीक्षा के वक्त मैं वॉलंटियर था, जो 8वीं कक्षा में था मैं, सफ़ेद पैंट सफ़ेद शर्ट टाई, और आपको एक बात बता दूँ, जब मैं कॉलेज में था लेक्चरर करके, आई वॉज द स्मार्टेस्ट प्रोफेसर इन नागपुर यूनिवर्सिटी, और रोज शेव करके सूट बूट पे, साइकिल पर जाता, सूट पे जाता साइकिल के ऊपर टाई लगा कर, तब जिन्होंने मुझे देखा और आज वो जो देखते हैं उनको बड़ा अजीब लगता है कि वो प्रोफेसर सर हमारे ऐसे थे और आज कैसे हैं। इन होल ऑफ द नागपुर यूनिवर्सिटी आई वॉज नोन एज द स्मार्टेस्ट प्रोफेसर एनी बाय दिस, लेकिन कॉलेज में ही काफ़ी सीखने का, आंदोलन करने का, छात्रों को साथ में लेकर उनका प्रबोधन करने का, और साथ में बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया, जब मैं बता रहा था आपको, मैं 8वीं कक्षा में था, हम वॉलंटियर थे, मैं डॉक्टर आनंद जी ने हमारे चरणदास जी, हम जो उस वक्त जो हमारी साथी टोली थी हमारी, मनोहर जी ने, हम सब लोग, हम वॉलंटियर्स थे, हमको काम दिया गया था, वामनराव जी ने काम दिया हमको कि स्टेशन पे जाना और दीक्षा के लिए जो लोग आ गए उनको लेकर, रास्ता नहीं मालूम था उनको लेकर वहाँ पे पहुँचाना, हम जाते थे पहुँचा कर फिर
रेलवे स्टेशन जाना, फिर लोगों का जत्था लेकर वहाँ पे पहुँचना। ऐसा कितने बार करना पड़ा? कई बार, दिन भर करते रहे। क्योंकि एक दिन पहले से लोग आना शुरू हुआ था ना, दो दिन पहले से लोग आना शुरू हुआ था। मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर के लगातार लगातार वो उत्साह था, वो जुनून। हाँ, कि हमें कुछ तो भी नया कर रहे हैं बाबा साहब, कोई नई देन देने वाले हैं, अपने को नया जीवन देने वाले हैं, ये जज्बा था। तो ये वॉलंटियर काम करते रहे, और दीक्षा के हम थे ही वहाँ पर हाथ जोड़ के। जब बाबा साहब दीक्षा दी तब भी हम उसके प्रत्यक्ष दर्शी ने, दीक्षा ही बाबा साहब के हाथों से हमने ली उस वक्त। और कॉलेज के अंदर में रहने के बाद हमारे इस संघर्ष को और भी ज़्यादा बल मिला, और कॉलेज में भी हमारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी, गैदरिंग होते थे, उसमें भी 3 अंकी नाटक, बड़े नाटक जो होते थे वो जिम्मेदारी मेरी तरफ रहती थी। आखिरी दिन नाटक होता था हमारा, और बड़े बड़े नाटक किए हम, कोई सोच भी नहीं सकता कि जो नामचीन लोगों ने, बाल कोल्हटकर का नाटक वेगळा व्हायचं मला, प्रेमा तुझा रंग कसा, अपराध मीच केला, थांब लक्ष्मी कुंकू लावते, प्रेमा तुझा रंग कसा, ये बड़े बड़े कानिटकर जी के जो ड्रामा थे वो, ये बड़े बड़े नाटक हमने किए। और हमारे गैदरिंग का माहौल ऐसा था कि जब ये 3 अंकी नाटक होता था, अड़ोस पड़ोस के तमाम लोग, शंकर नगर हो, बजाज नगर हो, तमाम लोग वहाँ, चाहे ब्राह्मण हो, सभी लोग ड्रामा देखने के लिए आते थे। बड़ा टेंट टम्पू लगता था, टेंट लगता था, बड़ी धूमधाम से गैदरिंग होती थी। ये संस्कार कॉलेज ने बहुत कुछ दिया हमें। खैर, बाद में बहुत सारी बातें हो गई, मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत कुछ कॉलेज के कॉलेज में जब मैं शिक्षक था, लेक्चरर था, प्रोफेसर था, उस वक्त बहुत कुछ करने का मौका मुझे मिला। और साथ में उसी वक्त हमने, मैं था, मधुकर डोंगरी जी थे, हमारी एक एक मिशनरी टाइप की एक टोली थी प्राध्यापकों की, प्रेमानंद नगरारी जी थे, मधुकर राव जी डोंगरे हमारे सीनियर थे, गुड़घाटी जी थे हमारे, तमाम हम लोगों ने मिलकर फिर साप्ताहिक जय भीम शुरू किया। अखबार निकालने का एक जुनून था हमें, ये बात अभी मैं आया नहीं होगा तो वहाँ पे रुके हुए वो अब शादी का आपका सवाल इतना इतना नाजुक सवाल है कि देखिए, इसका भी संबंध मेरे अंतर जातीय विवाह का भी संबंध मेरे कॉलेज से ही है। क्या कॉलेज में जब मैं था लेक्चरर करके, तो हमारे ही कॉलेज में कुमारी रंजना मेघरे, जो बजाज नगर में रहने वाले थे, जिनके पिताजी यवतमाल के जाने माने स्वतंत्र संग्राम सैनिक थे, उनकी माँ ऑफिस सुपरिटेंडेंट थी कमिश्नर ऑफिस के अंदर में, वो पॉलिटिकल साइंस के, शी वॉज अ मेरिट स्कॉलर, मेरिट सेकंड आई थी वो पॉलिटिकल साइंस में एमए के अंदर में, उनका सिलेक्शन हुआ है लेक्चरर करके, तो जान पहचान, तो जान पहचान का रूपांतर अब क्या कहते हैं, मोहब्बत में। फिर बड़ी अजीब सी बात है, 3 साल तक हमारा ये प्रेम प्रकरण चलते है, सिलसिला चलता है, प्रेम का सिलसिला चलते रहा। फिर हमने शादी करने का तय कर लिया, तब वो ऊँचे जात की, मुझे उसकी जाति मालूम नहीं थी, पर हमारी जात की इतना मालूम था मुझे, मैं किसी की जाति पूछता नहीं, आज भी नहीं पूछता किसी को। कोई कंप्लेंट लेकर मेरे पास में आता है, कोई तकरार लेकर मेरे पास में आता है, कोई फरियाद लेकर मेरे पास, मैं भी किसी की जाति आज तक नहीं पूछता, काम क्या है वो बताइए, मैं क्या कर सकूँ बताइए, बस इतना ही करता हूँ मैं, आज भी मेरा यही स्वभाव है शुरू से। तो परिचय बढ़ते गया, 3 साल हमारे
प्यार का सिलसिला चलता रहा, फिर शादी करने का जब फैसला किए, एक साल रही वो कॉलेज के अंदर में, भी दूसरे साल में भी महिला महाविद्यालय में गई वो, नंदनवन में उनका कॉलेज था, मोहता साइंस कॉलेज के पास में महिला महाविद्यालय, वहाँ पे फिर वो एक साल हमारे कॉलेज में रही, लेकिन वो हमारा जो प्यार का सिलसिला चल पड़ा। और तो आप तो जानते हैं, प्यार की ना तो जाति होती है ना धर्म होता है, ना ऊँचाई होती है ना ऊँचाई नापी जा सकती है, ना गहराई नापी जा सकती है। तो फिर हमने फैसला किया, मेरे घर वालों ने ज़्यादा विरोध नहीं किया, इतना ही कहा कि आपले अस्तित्व बरं झालं असतं, पण निर्णय घेतलायस म्हणे तू, आपने फैसला ले लिया, ठीक है चलो। मेरे सबसे ज़्यादा अगर मेरे इस अंतर जाति विवाह को अगर समझा कि हमारे जीजाजी, मेरी बड़ी बहन नलिनी कुम्भार है, उनके पति एडवोकेट दादा साहब कुम्भार है, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी थे, दीक्षा के कॉलेज के भी कार्याध्यक्ष भी थे, उन्होंने काफ़ी समर्थन किया, उन्होंने कोई बात नहीं चलने दो, अच्छी बात है। अब ये तो हो गया, जब ये मैं मेरे होने वाले मिसेस के घर में जब गया, नमस्कार वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, छुट छुट में बोल दिया, मैंने और आपकी बेटी रंजना ने शादी करने का फैसला लिया है, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। तो थोड़े हमारी मिसेस की माताजी वगैरह थोड़े रिजर्व टाइप के लोग थे कि कैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं। उनके पिताजी श्रीधर पंत मैगरे काफ़ी उलझे हुए विचारों के थे, सुलझे हुए विचारों के थे, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। और मैंने ये कह भी दिया शुरू में आते वक्त, मैंने कहा देखिए आप हमें इजाज़त दे या ना दें, हमने तो शादी करना ही है ऐसा बोल के निकल गया। फिर उनका मैसेज आया, ठीक है। तो उस वक्त मैं ये भी कहा था, अगर शादी जब तय करने गया मैं, तो मैंने कहा भैया रंजना को इस्तीफा देना होगा लेक्चरशिप से, मतलब टोटली हाउस वाइफ चाहिए, वर्किंग वाइफ नहीं चाहिए। तो फिर परेशान हो गए घर के लोग, भविष्य में अगर कुछ हो गया तो कैसा करेगी मेरी बच्ची, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन वो भी अटल थी, मेरी मिसेज अंजना, उसने और इस्तीफा देने के बाद ही मैं शादी करूँगा बोला, नहीं तो शादी नहीं करूँगा, वैसे ही कुंवारा रहूँगा बोला। उसने इस्तीफा देने के बाद में दीक्षा भूमि पर ही हमारी शादी हुई। पहले मेरे मिसेस को दीक्षा दी गई, बुद्ध धर्म की दीक्षा दी गई, और दीक्षा लेने के बाद में फिर विवाह समारोह संपन्न हुआ। हमारे बालचंद्र खांडेकर ने हमारी शादी लगाई। और देखिए मेरे शादी में गवई साहब, तमाम हमारे नेता मंडली, बैरिश राजा खोबरागढ़े, दास साहब कुमार थे, इस साल जियाजी थे हमारे, और बहुत सारे रिपब्लिकन पार्टी के नेता लोग, आज भी मेरे पास फोटो है उनका, बहुत ही बड़ा, बहुत बढ़िया फोटो है, आशीर्वाद देने के लिए सब लोग बड़ी धूमधाम से, बस सादे तरीके से शादी हुई। और शादी होने के बाद, सब निपट जाने के बाद, हमारी बारात साइकिल रिक्शा में बारात दीक्षा भूमि से लेकर लक्ष्मी नगर तक साइकिल रिक्शा में बैठकर हम दोनों बिया बीवी नवपरिणी दाम्पत्य मेरी मिसेस के बारे में मुझे बड़ा फख्र है, बड़ा गौरव है, गर्व है इस बात का कि मेरे से भी ज़्यादा कर्मठ बोलता है वो, मेरे से भी ज़्यादा कर्मठ अम्बेडकरवादी है वो। मैं अपने धम्म परिषदों में जब जाता हूँ ना, तो हमारे बच्चों पे संस्कार कैसे होने चाहिए, ये संस्कारों की बात मैं कहता हूँ, लेट अस बिगिन एट होम। बुद्धिहार तो बाद में आ गया, घर तो पहला हमारा विहार है ना। मैंने ऑब्जर्व किया कि दिन में तो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, हम तो अपने इधर लगे हुए थे आंदोलन में, इधर में उधर में, कॉलेज में आंदोलन में, लेकिन
जब भी मैं कभी घर में रहता था, मैंने एक बात ऑब्जर्व किया, शाम के वक्त खाना खाने के लिए जब बैठते थे बच्चों के साथ में, मेरी दो बेटियां, मेरा बच्चा जयदीप, वैशाली, सुजाता, तो थाली परोसने के बाद, बच्चों की थाली और खुद की थाली, हमारा में थाली परोसने के बाद पहले बुद्ध वंदना, और बुद्ध वंदना ले, केवल बुद्ध वंदना नहीं, बुद्ध वंदना लेने के बाद पहला निवाला मुंह में डालते वक्त जय भीम बोलना और बाद में निवाला डालना। तो मेरे बड़ी बेटी ने एक बार मुझे पूछा कि वंदना तो ठीक है, जय भीम करके क्यों निवाला डाला जाए। तो मेरे मिसेस ने ये बताया बच्चों को कि बेटा बोले हमारे शरीर के रोम रोम पर, हमारे के खून के कतरे कतरे पर, हमारी सांस पर और हमारे हर निवाले पर किसी का अधिकार है, जय बाबा साहब का अधिकार है। तो कोई भी काम की शुरुआत जब करते हैं तो जय भीम का नाम लेकर ही शुरुआत की जाए। ये संस्कार बच्चों पर आज भी है। मेरी बेटियों की शादी हो गई, जो घर में गई वो यही संस्कार चला रही है। कोंकण में है, रायगढ़ जिले मेरी बड़ी बेटी, औरंगाबाद में मेरी, मराठवाड़े में मेरी छोटी बेटी है, आज भी वही संस्कार। आज भी घर में जब भी मेरा बेटा खाना खाए, बेटा पहले वंदना करो, जय भीम बोलो बाद में खाना, ये तो ये संस्कारों की बात है। तो सर ये चर्चा तो और भी चालू रहेगी, जैसे कि हमने अभी सर को काफ़ी कुरित कुरित के उनकी पिछली ज़िंदगी में गए, क्योंकि चर्चा करते वक्त तो हम आंदोलन की, सामाजिक आंदोलन की, धार्मिक आंदोलन की, राजकीय आंदोलन की, ये तो बातें करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ बातें जो इस पीढ़ी को जानना ज़रूरी है कि कोई भी आदमी जो एक जोगेंद्र कवाड़े सर हैं वो किस तरह बने, किस तरह बढ़े, किस तरह उन्होंने बाबा साहब को अपने जीवन में उतारा, ये सारी बातों को जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। ये जानने की हमने कोशिश भी की और सर से हम और चर्चा करते भी रहेंगे। अक्टूबर 1956 एक महान क्रांति का उदय, एक बोधिसत्व का उदय जब हुआ धम्म चक्र गतिमान। भारत की यही है शान, तब से अब तक धम्म चक्र की गतिमानता देखिए। धम्म क्रांति के 57 वर्ष केवल आवाज इंडिया टीवी पर। जय भीम, फिर से आप सबका इस चर्चा में स्वागत है। आज जैसे कि हम प्राध्यापक जोगिंदर कवाड़े सर से चर्चा कर रहे हैं, सर जैसे हम अभी इसके पहले चर्चा कर रहे थे, अंतरजातीय विवाह हुआ, तो फिर तो बाद में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और फिर बाद में आपके जीवन संगिनी बनी। हम जैसे तब सुनते थे, क्योंकि मैं भी लॉन्ग मार्च में आया था, केलझर से मैं ज्वाइन किया था, तो जैसे भी जो फिर जिस प्रकार से आपने एकदम जो सबसे पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे स्मार्ट प्रोफेसर था, उसने मैदान पे आने की कोशिश की, और वो भी कोशिश ऐसी कि सब कुछ छोड़ के, क्योंकि जिस प्रकार से लॉन्ग मार्च की शुरुआत हुई है और शुरुआत होने के बाद में जो भी होता, कुछ भी हो सकता था, तब मौत भी आ सकती थी, जेल में जाना तो पढ़ना ही हो सकता था, बिल्कुल तय था, नौकरी जाना बिल्कुल तय था, और ये सारे चक्कर में, ये सारे इसमें, क्योंकि आप तो ठीक है, आपका जज्बा तो जय भीम वाला था, सब कुछ था, आपने सब कुछ दाव पे लगा दिया था, अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी कि भाई चाहे जो भी हो जाए मैंने इस बात के लिए तो अभी आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसे वक्त में, क्योंकि घर में जो है मिसेज जो है ऐसे वक्त में इनसिक्योर फील करती है, तो ऐसा क्या हुआ? मेरे आंदोलन का प्रेरणा स्रोत और पूरी तरह से हिम्मत देने का काम मेरी पत्नी रंजना जी ने किया, मैं कभी भूल नहीं सकता। आंदोलन के वक्त जितनी भी यातनाएं, जितने कष्ट है, पुलिसों का दमन चक्र है, रात बेरात पुलिस घर में आना, नौकरी से निकाल दिया गया, घर में पैसे नहीं, पहली बच्ची पैदा हुई,
तो चावल की पेज पिलाकर मेरी मिसेस ने अपने बच्चों को पाला, लेकिन कभी किसी के हाथ सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ, माता यशोधरा की वजह से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए, सावित्री माता के कारण ज्योतिबा फुले महात्मा बने, माता रमाबाई के कारण भीमराव आंबेडकर बाबा साहब बने, और मैं उदाहरण देने के लिए कहता हूँ कि उसी तरह मेरी पत्नी रंजना के वजह से प्रोफेसर कवाड़े लॉन्ग मार्च का प्रणेता बना। ये आंदोलन को बल देने का काम, लॉन्ग मार्च के आंदोलन को, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम मिले, इसके लिए जो आंदोलन चला, और उसके बाद में जो मैंने लॉन्ग मार्च की घोषणा की, उसको ये जय भीम ऐसा वर्तमान पत्र साप्ताहिक था, देश के अंदर अंबेडकरवादी मराठी आदमी जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पर जाता था। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ, अंडमान में जो अपने लोग रिहैबिलिटेट हुए, जिनका पुनर्वास हुआ, मिट्टी में वगैरह थे, उनको पुनः जगह दी सरकार ने, अपने अंबेडकर लोग वहाँ पर गए, तो वहाँ पर भी जय भीम जाता था, अंडमान निकोबार के अंदर। एक बड़ा प्रभावशाली वैचारिक अखबार साप्ताहिक जय भीम के रूप से लोगों के सामने आया। आपके जानकारी के बता दूँ, जय भीम करीब 25,000 प्रतियाँ निकलती थी जय भीम की उस वक्त, 25,000 प्रतियाँ, विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, कुछ नहीं, लोगों का वर्गनी आती थी, सब्सक्रिप्शन आता था, लोगों का दान आता था, हम कंट्रीब्यूट करते थे, हमारा बहुत सारा पगार का हिस्सा उसी में चले जाता था। तो ये जय भीम भी एक मूवमेंट की तरह चलाया हमने। उसका पहला अंक 1972 में निकला, उसका प्रकाशन समारोह हमने रखा था धनोटे रंग मंदिर के अंदर। आप जानते हैं कि वैसे प्रकाशन लोग बहुत कम आते हैं, कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन धनवटे रंग मंदिर वाज फ्लडेड लाइक एनीथिंग, लोगों को खड़े की जगह नहीं थी, और बड़े बड़े नेता लोग भी उनको आमंत्रित किया था हमने, दादा साहब कुंभारे थे, बैरिश राजगोपाल खोखरागढ़ वगैरह थे, भास्कर राव भोसले ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे पुणे के उस वक्त, आपने नाम सुना होगा उनका, उनके हाथों से हमने प्रकाशन समारंभ करवाया। तब से लगातार, और हमारे इस जय भीम के साप्ताहिक जय भीम को मैं आंदोलन ही कहता हूँ, इसको भी हमारे मित्र उस वक्त इनकम टैक्स ऑफिसर थे मिस्टर खोबरागड़े, वो भी खोबरागड़े थे, बड़े पक्का अम्बेडकरवादी आदमी, काफ़ी मदद की उन्होंने शुरू करने में, उन्हीं के कारण और उनकी मदद की वजह से हम साप्ताहिक जय भीम शुरू कर सके। बाद में हमने चलाया, बाद में उनके ट्रांसफ़र होते रहे, इधर उधर जाते रहे बेचारे वो, लेकिन जय भीम लगातार चलते रहा। ये भी अपने मूवमेंट की तरह चला है हमने, प्राचार्य मधुकर राव जी डोंगरे, हमारे मित्र गुड़घड़े जी, ताराचंद्र जी खंडेकर, कारा वालदेकर, इमो नारनवरे, दिलीप सूर्यवंशी, गोविंद वाघमारे, और महाराष्ट्र के जितने भी बड़े बड़े लेखक हैं दलित साहित्यकार, दलित साहित्य के अंदर में, चाहे वो पांतावने जी हो, गंगाधर जी पांतावने हो गए, दया पवार जी हो गए जो गुजर गए, बाबूराव बागुल हो गए, सभी ने जय भीम में लिखा है। तो दलित साहित्य आंदोलन में जो बड़े बड़े चोटी के हमारे लेखक हुए, कवि हुए, विद्वान हुए, उन्होंने जय भीम के अंदर में लिखा है, अपने योगदान दिया है, हम कभी भूल नहीं सकते, और उन्हीं के कारण जय भीम सब तरफ फैल गया और एक आंदोलन के रूप में फैला। जय भीम के ही माध्यम से हमने लॉन्ग मार्च सारे महाराष्ट्र में, देश में फैलाने का काम किया साप्ताहिक जय भीम के माध्यम से। ये जब हमने घोषित किया, हुआ क्या था, दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का आंदोलन हुआ, दादा साहब गवई अध्यक्ष थे, दादा साहेब एन एच कुंभारे,
ये रिपब्लिकन पार्टी के महामंत्री थे और सांसद थे राज्यसभा के, कर्नाटक के, हमारे क्या नाम है उनका, कर्नाटक के जो नेता थे, आर्मुगम जी। ये तीनों नेता, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस वक्त, जनता दल की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, तो बौद्धों को आरक्षण मिलना चाहिए इस मांग को लेकर हमारे तीनों चोटी के नेता क्या दिल्ली के बोट क्लब पर आमरण उपोषण के लिए बैठे थे, आमरण उपोषण के लिए। उस वक्त जब डेलीगेशन गया था पहले मोरारजी के वक्त, जब चरण सिंह थे प्रधानमंत्री, बाद में प्रधानमंत्री बने थे चरण सिंह थोड़े दिन के लिए, उसके पहले जब हमारा प्रतिनिधिमंडल नेता लोग मिलने गए थे मोरारजी से, तो उन्होंने कहा था, जब मांग की उन्होंने बौद्धों को आरक्षण सहूलियतें मिलनी चाहिए, तो मोरारजी ने बड़े गलत तरीके से जवाब दिया था। किसने कहा था? तो बौद्ध होने के लिए ऐसी बात लगी वो लोगों को, इतना अपमानित किया गया। तो इस मांग को लेकर दिल्ली के बोट क्लब पर हमारे तीनों नेता लोग उपोषण पर बैठे, चार दिन हो गए, पाँच दिन हो गए, छः दिन हो गए, छः दिन, दूसरे तीसरे दिन मेरी नई नई शादी थी, मेरे मिसेस को लेके मैं भी पहुंच गया वहाँ पर। और फिर जब सात दिन हो गए तो हमने नेताओं से आग्रह किया, वो उपोषण आप छोड़िए, बाद में लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग, और भी लड़ाई बहुत लड़नी है अपने को। तो नेताओं को मनवाने के लिए, उपोषण छुड़वाने के लिए हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया दिल्ली के अंदर में, पूरे देश भर से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, तब छत्तीसगढ़ बनने का था, गुजरात से, महाराष्ट्र से, थे ही थे, करीबन 2-3 लाख लोगों का जुलूस मोर्चा वहाँ पर दिल्ली में बोट क्लब में निकाला गया। पहली बार मैंने आंदोलन क्या होता है, मैं लगातार दिल्ली में था, और ये जो मोर्चा तय हुआ हमारे नेताओं का उपोषण छुड़वाने के लिए, स्थगित करवाने के लिए, तो दिल्ली के तमाम गांव में गाड़ी लेकर घूमा मैं, गांव-गांव में, देहातों में गया, मेरठ गया, मुरादाबाद गया, लखनऊ गया, कानपुर गया, उन्नाव गया, हरियाणा में गया, फरीदाबाद में गया, बिहार में गया, कई ठिकानों में मैं प्रचार के लिए घूमते रहा, और भी हौसले बुलंद होते गए वो, और फिर वो जुलूस निकला वहाँ पर, आंदोलन हुआ, फिर काफ़ी पुलिसों से छीना झपटी हुई, लाठीचार्ज हुआ, हमको अरेस्ट किया गया, और करीबन 500-600 लोगों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, तिहाड़ जेल के अंदर। जेल के अंदर में भी ऐसी तू तू मैं हो गई किसी इंस्पेक्टर के साथ में, जेलर के साथ में, तो वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ, और इतने बुरी तरह से मारा हमको। जेल का लाठीचार्ज बड़ा खतरनाक होता है, वो कोई जिंदा है या मरा है कोई दिखते ही नहीं लोग, लेकिन दूसरा एक जेलर था ज़्यादा समझदार था, उसने रोक दिया, 15-20 मिनट बाद लाठी चली, किस तरह बच गए जेल के अंदर में। तो जेल के अंदर में दाढ़ी बढ़ी, 1974-75 की बात है, 76-77 की बात है, तब से दाढ़ी अभी तिहाड़ के जेल में, बौद्धों के आरक्षण के आंदोलन के लिए तिहाड़ के जेल में हम गए, तब से जेल के अंदर जो दाढ़ी पड़ी, तो आज तक हमने उतारी नहीं उसको। और जब वहाँ से हम लौटे 14 दिन के बाद, जेल से हमारा छुटकारा हुआ, रिहाई हुई, जमानत हुई, जमानत पर छूटे सब लोग, अनकंडीशनल हमको छोड़ दिया था बाद में 14 दिन के बाद में। नागपुर इधर में आए तो मराठवाड़ा का आंदोलन इधर ये शुरू हो गया, 11 दिन तक मराठवाड़ा जल रहा था, पोचीराम कांबड़े, जनार्दन मावड़े, ऐसे कई लोगों को, वो इंस्पेक्टर अपना समाज का था वो, उसको जातिवादियों ने मार डाला, कई सैकड़ों मकान जलाए गए, कई लोगों को मौत के घाट, कई महिलाओं के साथ, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, यानी जो नज़ारा हमारे देश के विभाजन के वक्त पाकिस्तान और भारत में जो नज़ारा हुआ,
वही नज़ारा मराठवाड़ा के अंदर में हम लोगों के साथ हुआ, वही जुर्म अत्याचार के कोई अंत नहीं था। जब आने के बाद में जब ये खबर नागपुर में फैली कि नामांतर विरोधियों ने नागसेन वन में अंबेडकर महाविद्यालय मिलिंद महाविद्यालय के ग्रंथालय को जला दिया, ये खबर जब आई तब फिर मैंने सबकी मीटिंग बुलाई। दिल्ली से लौटा ही था, वो था ही वो गुस्सा जो था, और फिर हमने सरकार से मांग करने के लिए कि मराठवाड़ा के बौद्धों को सुरक्षा दी जाए, दलितों को सुरक्षा दी जाए, उनकी हिफाजत की जाए, इस मांग को लेकर 11 दिन चलते रहा मराठवाड़ा। कोई कार्रवाई सरकार ने कहीं लाठी नहीं चलाई रोकने के लिए, सुरक्षा देने के लिए कुछ नहीं किया। तो यहाँ मैंने डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज का योगदान बता रहा हूँ, मैं आंदोलन की शुरुआत जो हुई तो पहला मोर्चा छात्रों का और उधर PWS कॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन करके पहला जुलूस, विराट जुलूस निकला, खतरनाक जुलूस था। यहाँ से अंबेडकर कॉलेज से होते हुए निकला, उधर से PWS इंदौरा से हमारा जुलूस आया और वहाँ संविधान चौक जिसे आज कहते हैं हम, रिजर्व बैंक चौक, वहाँ दोनों का मिलन हुआ और वहाँ से हम कलेक्टर ऑफिस में गए, कलेक्टर को निवेदन दिया कि जो जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसको सरकार ताबड़तोड़ रोके, सुरक्षा प्रदान करें। निवेदन दिए हमने मोर्चा डिस्ट के, भाषण वाषण किसी के नहीं हुए, मेरा जो भाषण होना था मेरा भाषण निकले, आप सब वापस शांतिपूर्वक तरीके से, कहीं तोड़ फोड़ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई मस्ती नहीं। हमारे इंदौरा के लोग जब, विभाग के लोग, उत्तर नागपुर के लोग जब वापस जा रहे थे तो इतना छोटा सा आरोप कि किसी ने पत्थर मार दिया, छोटा सा एक पत्थर हो, केवल इतना बहाना बनाकर, ये बहाने से तावड़ तो ना तो अश्रु गैस फेंका गया, ना तो लाठियां चलाई गई, सीधा फायरिंग का आदेश, और 9 लोग शहीद हुए इंदौरा चौके। अविनाश डोंगरे हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला, 10 नंबर के पुलिया पर, कोई कारण नहीं, आज जो शहीद स्मारक जहाँ पर है। हमने सरकार से ये पूछा कि साला 11 दिन तक हमारे लोग मर रहे थे, जल रहे थे, मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, तुमने कोई सुरक्षा नहीं, लाठी चलाई रोकने के लिए, ना गोली चलाई, ना अश्रु गैस छोड़ा, और एक छोटा सा पत्थर उछाला गया, तुमने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करवा दिया, ये तुम्हारी सरकार है, ये तुम्हारी नीयत है। तो उनका मकसद ये था कि नामांतर के आंदोलन को किस तरह कुचला जाए ताकि भविष्य में कुछ ना कर सके। लॉन्ग मार्च की भीम सैनिकों का लॉन्ग मार्च, ये भीम सैनिक के शब्द लॉन्ग मार्च आंदोलन की देन है। फिर नामांतर का नाम ना ले सके, कई लोग जख्मी, लोग जो मारे गए, जख्मी हुए, जय भीम शुरू था, जय भीम सारी स्टोरी आते गई, मैं अस्पताल में मेडिकल में जो लोग हमारे जख्मी लोग भर्ती थे उनसे मिलने मिलना, उनको ये करना, दवाई पानी वगैरह सब कुछ, जिन घर के लोग शहीद हो गए उनके घर में जाकर उनको सांत्वन देना, ये सारी बातें हम करते रहे। जब मैंने यहाँ से लॉन्ग मार्च की भीम सैनिकों का लॉन्ग मार्च, ये भीम सैनिक के शब्द लॉन्ग मार्च आंदोलन की देन है, मुझे आप बताइए खोबरागढ़ी जी, इसके पहले के भीम सैनिक इस्तेमाल हुआ ये शब्द नहीं हुआ। और एक नारा जो नया बताता हूँ मैं आपको, ये हमारे आंदोलन की देन है, जब हमारा लॉन्ग मार्च दीक्षाओं से निकलकर अजनी चौक पर किसी हमारे कार्यकर्ता ने, भीम सैनिक ने नारा दिया, सर कवाड़े आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ये पहली बार मैंने सुना, इसके पहले नारा भी कहीं नहीं था, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है वाला, कभी सुना आपने इसके पहले नहीं, तब से ये शुरू भीम सैनिक के शब्द ये आंदोलन की देन है। और भीम सैनिकांची चढ़ाई विद्यापीठावर स्लोगन ही था, मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर भीम सैनिकांची विद्यापीठावर चढ़ाई लॉन्ग मार्च, वो पोस्टर भी था लॉन्ग मार्च का, बड़ा आक्रामक पोस्टर था। मेरे ख्याल से देश के तमाम दलित आंदोलनों में
पहली बार मल्टी कलर्ड पोस्टर निकला, पहली बार मल्टी कलर्ड फोर्स लोगों ने चिपकाया तो कम, घर में जा लगा के रखा उसको घर में। तो केवल मानवीय हकों की प्रस्थापना करने के लिए आजाद भारत के अंदर में हमें लॉन्ग मार्च निकालना पड़ा। बहुत सारे जो साथी जयभी में हमारे साथ में थे, लॉन्ग मार्च के डर के मारे छोड़ के चले गए। कई लोगों ने साथ छोड़ा, लेकिन जिनका नाम मैंने बताया वो साथ में, और पूरे विदर्भ के अंदर में घूमे हम, गोंदिया गए, भंडारा गए, अमरावती गए, बुल्ढाना गए, सब तरफ हमारे प्रचार सभाएं होती थी। अच्छा, लॉन्ग मार्च विरोध बहुत लोगों ने किया। अमरावती के इरविन चौक में हमारी सभा थी, लॉन्ग मार्च प्रचार सभा। खासदार, राज्यसभा के खासदार, हमारी सभा चल रही थी, 10-15 हज़ार लोग हो गए उसमें। लोगों में भी ये था, जोश था, जुनून था, सब कुछ था, आज भी है। सभा चल रही थी तो रिक्शा में बैठकर हमारे जर्सी अकरते का नाम सुना होगा आप, राज्यसभा के सांसद थे। उन्होंने भाषण में क्या कहा, 10 मिनट बोले शायद सिर्फ, बोले हमने जो आज़ादी की लड़ाई, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ाई, बोले हमने जिस प्रकार देश की आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े प्रोफेसर कवाड़े, उसी प्रकार आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे, बोले ये लॉन्ग मार्च यानी आज़ादी की लड़ाई है। 60 वर्षों के बाद भी, 50-55 साल हो गए थे उस वक्त, उसके बाद भी तो ये आज़ादी की लड़ाई है, और आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त हर चीज़ जायज़ है, बोले। लोग आरोप लगाते, कवाड़े सर ऐसा बोलता तसा बोलता, तमुक बोलता तमुक बोलता, शिवा घलता थे करता थे। अरे भाई, जिनके पाँव में, जिसके पेट में छुरा लग किसी ने धोप दिया, वो क्या रो हंसेगा? वो तो रोएगा, चिल्लाएगा ना। तो ये स्वतंत्रता के बाद में आज़ादी की लड़ाई, गरीबों की, दलितों की आज़ादी लड़ाई, प्रोफेसर साहब लड़ रहे, बोले सब लोग साथ में चलिए, बोले साथ दो, बोले ये बोला उन्होंने सांसद अकरते साहब ने, भूल नहीं सकते। फिर बीच में से एक आवाज़ आया, पैदल चले गए नागपुर से लेकर तो औरंगाबाद तक 700-500 किलोमीटर पैदल चलना है, तो खाएंगे क्या रास्ते में, कौन व्यवस्था करेगा? हमने कहा अपने जेब में मुरमुरे चने फुटाने और मुरमुरे जेब में डालो, लोग खाना देंगे तो खाएंगे, नहीं देंगे चने फुटाने खा चले जाएंगे, ऐसा हमारे महाभाषा सरदार ने कहा। अरे लोगों के जवाब ही मिल जाते सभा के अंदर, कैसे ले जाएगी, क्या होगा, क्या नहीं, वो पूरा टाइम टेबल शेड्यूल हमने बनाया था। 11 नवंबर 1979 को लॉन्ग मार्च 79 दीक्षा भूमि पर। अब लॉन्ग मार्च नहीं निकलना चाहिए कि पुलिसों का जो लगातार घर पे छापा डालना अरेस्ट करने के लिए ताकि लॉन्ग मार्च ना निकले, सारी कोशिशें की हम, फरारी में थे, इधर जाओ उधर जाओ, इधर छुप उधर छुप, आंदोलन सभाएं करते रहो, घर में जाना मुश्किल, घर में जाके मिसेज को परेशान करना, पुलिस वाले कहाँ है कहाँ छुपे हैं। तो लॉन्ग मार्च के दिन में सीधा दीक्षा भूमि पे आया, ये बड़ा वाकया बहुत सुनने लायक है, यानी जो अनुभव हमने किया। हमारे नए जनरेशन की बात मालूम हो ज़रूरी है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर आप एक इतिहास लिखिए, एक चरित्र लिखिए, ताकि आने वाले पीढ़ी को उसकी कुछ प्रेरणा मिले, आंदोलन कैसा है क्या है, आज का समाज ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया, नेताओं ने क्या किया, कार्यकर्ताओं ने कितनी कुर्बानियाँ दी, ये लोगों के सामने आना चाहिए। और जब मैं अपने अनुभव सुनाता हूँ तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे मित्र रंजीत मिश्रा लोकमत में उस वक्त थे, एक बार ऐसे हम होटल में बैठ कर चाय पी रहे, बारिश हो रही थी, जाने का टाइम नहीं था, बाहर निकल नहीं सकते थे, तो मैं अपने किस्से सुना रहा था। उनको जब किस्से सुनाया तो रंजीत ने बोला, सर बोले मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, बोलिए सुन, अब लिखते क्यों नहीं, बोले ये इतिहास मराठी जहाँ शहरे ना आगे और शहरे ना मंडत, भदंत आनंद कौशल्यान जी ने हमें आशीर्वाद दिया, गाथा बोली, वंदना की, हजारों भीम सैनिक पूरे भंडारा से लेकर तो बोलना तक तमाम हजारों लोग दीक्षा भूमि पर, करीबन 40-50 हज़ार लोग हमको जो शामिल हुए तो शामिल हुए ही थे, जो
विदाई देने के लिए बॉर्डर तक, नागपुर के खापरी तक। तो भनते ये भदंत आनंद कौशल्या जी ने हमें आशीर्वाद दिया, गाथा बोली, वंदना की है। अब शुरू करने के पहले मेरी माँ पैरालिसिस की पेशेंट थी, वो आई। अब ये फैल गया था कि इनको तो मरना ही है, जाकर वहाँ पर आ गया सब लोग। उस वक्त ना टीवी था, ना कुछ था, ना कुछ था। लोग रेडियो को कान लगा के बैठते थे, लॉन्ग मार्च कहाँ पहुँचा, सुरक्षित पहुँचा कि नहीं, लोग पहुँचे कि नहीं। मेरी माँ पैरालिसिस, चल नहीं सकती थी, जमीन से सरकते सरकते आई। मैंने पाँव को छुआ तो सर पे हाथ भेजा, बेटा विजयी होने बाबा साहेबाच्या नावासाठी मिलास तरी चालेल, पण मागे हटायचं नाही। मेरी माँ अकेला लड़का। फिर विदाई देते वक्त अब एक प्रथा है, बीवी आती है, आरती आरती लेकर मेरी बीवी आई, तिलक लगाया, आरती उतारी। तिलक लगाते वक्त मैंने उससे कहा, रंजना वापस आया तो तेरा, नहीं तो बाबा साहब। फुट फुट कर रोई, दामन यशस्वी होने निकले। तो ये शुरुआत जैसे अपने लांगबा चौक इमामवाड़ा से पहली सभा वहाँ घोषणा हुई लॉन्ग मार्च की। जैसे कि अभी आपने इसके पहले बताया था कि आप दिल्ली में थे, दिल्ली के तिहाड़ जेल में गए, बचपन में ही जेल में गए आप माँ के साथ में, और फिर बाद में जेलों का सिलसिला चालू हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कितनी बार अब तक जेल में गए होंगे? मेरे ख्याल से लॉन्ग मार्च को जब रोका गया, चलते गया, हम नागपुर से लेकर, और मैं अपने समाज जैसा समाज दुनिया में मैंने नहीं देखा आज तक। अंबेडकरी समाज जैसा समाज दुनिया में आज तक मैंने देखा नहीं, जिसका जुनून है हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकते, ये समाज मैंने देखा है। और इसीलिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ समाज मैं अंबेडकर समाज को मानता हूँ, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। आपने देखा होगा दुनिया का इतिहास ऐसा है, जुल्म, अन्याय, अत्याचार से कई समाज मिट गए, इतिहास के पन्नों में भी उनका कुछ ठाव ठिकाना नहीं है। लेकिन हजारों वर्षों के जुल्म को सहन करने के बाद भी आज भी वही सीना तान के खड़ा हुआ समाज देश दुनिया के अंदर कोई है तो अंबेडकरी समाज है। कितनी आंधी आई, कितने तूफान आए, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर आज भी, ये तो आपने दुनिया का इतिहास पढ़ा है, समाजों का इतिहास पढ़ा है कि दुनिया के नक्शे पर से, दुनिया के इतिहास के पन्नों पर से जिनका नामो निशान तक मिट गया जुल्म अत्याचार की वजह से, लेकिन हजारों बरसों के अन्य अत्याचार जुल्म सहने के बाद भी आज भी वही जुनून, वही जज्बे के साथ संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर अगर कोई समाज देश के अंदर है तो अंबेडकरी समाज है। इसमें और एडिशन करना चाहूँगा, क्योंकि जेल तो गए और लेकिन बहुत सारी पुलिस की कलम भी आपके ऊपर लगी, ये कलमों की संख्या भी बहुत सारे, पुलिस स्टेशन में आपको मना, ये जिले में नहीं आना, वो जिले में नहीं आना, और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हादसे हुए, तो इनमें से कुछ चंद हाथ से बताइए। लॉन्ग मारा निकला नागपुर से, गुना दाखिल हुआ औरंगाबाद पुलिस स्टेशन में, मैं लॉन्ग मार गया और गुना दाखिल हुआ वहाँ पर, अपराध दाखिल मेरे खिलाफ में औरंगाबाद पुलिस स्टेशन में। जहाँ जहाँ से लॉन्ग मार्च गुजरा और लॉन्ग मार्च के आने के बाद जेल में गए, अमरावती के जेल में गए, रखा गया, बाकी सबको अलग अलग जेल, मुझे नागपुर में लाया, नागपुर के भीम सैनिकों को नागपुर के जेल में, वर्धा के भीम वर्धा के जेल में, लेकिन मुझे नहीं लाया नागपुर, मुझे लगा अमरावती के जेल में। एक दो चार जेलें अगर छोड़े तो महाराष्ट्र के सभी जेलों में मुझे रखा गया। एक रत्नागिरी का जेल अगर छोड़ दे, धुलिया और पुणे का जेल अगर छोड़ दे, तो मेरे ख्याल से मुंबई से लेकर बाकी जितने भी जेल है हर जेलों में मुझे रखा गया। करीबन
450 मुकदमे मुझ पर लगाए गए। एक वक्त तो ऐसा आया कि मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, रासुका के अंदर औरंगाबाद जिले में अरेस्ट किया गया और नासिक के जेल में रखा। 2 साल का डिटेंशन होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। वसंत दादा पाटिल चीफ मिनिस्टर उस वक्त महाराष्ट्र के, मेरे ख्याल से अम्बेडकरी आंदोलन दलित आंदोलन में किसी को ये नसीब नहीं हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में के अंदर बंद होना। वही ये तो हमारे क्या कहते हैं परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये हमारे लिए तो ये परमवीर चक्र वीर चक्र ही है। ये हमारे मेडल है, ये पुरस्कार है हमारे सर। और जैसे जैसे कि आपने जब भी बताया था कि यहाँ पे तिहाड़ जेल में जैसे मारा गया और वैसे काफी जगह पे जैसे जैसे पुलिस जो है पुलिस इस प्रकार से जैसे थी, जैसे आप सर मैं भी उस लैंग्वेज में था, जैसे कि वो राहेरी नदी के नजदीक जब रोका गया तो पुलिस 3 दिनों से वहां पे खड़ी थी, गिर रही थी और वहां पे पुलिस ने भी कुछ लोगों को मारने का प्रयत्न किया। आपको तो जगह जगह पे जैसे, क्योंकि आप तो मुखिया थे, ये हुआ ऐसा कि लॉन्ग मार्च चलते गया। अब आपको एक बात बताना भूल गया कि मैं मेरे कॉलेज लाइफ के अंदर में स्टूडेंट, मैं जब विद्यार्थी छात्र था तो मैं एनसीसी में था, नेवल विंग में, एनसीसी के नौसेना विभाग में था मैं एज ए कैडेट। आई गॉट द ऑनर ऑफ टू बिकम कैडेट कैप्टन ऑल्सो, होता है ना, सी सर्टिफिकेट पास किया मैंने। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं नौसेना में जाकर देश की सेवा करूं। शुरू में एक जुनून था, जब वो कॉलेज लगने के पहले जब विद्यार्थी था मैं, तो वो तो नहीं हो सका। अप्लाई भी किया था, मैं रिकॉर्ड इतना अच्छा था मेरे, वन ऑफ सीनियर कैडेट कैप्टन, कई कैंप्स में मैं गया, कई कैंप्स को लीड किया मैंने, महाराष्ट्र को लीड किया मैंने एनसीसी नेवल विंग की तरफ से। वो तो नहीं हो सका, लेकिन लेक्चरर बनने के बाद हमारे ही नेवल विंग के अंदर में एक लेफ्टिनेंट की जगह खाली हुई और मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर रहने की वजह से, कैडेट कैप्टन नेवल विंग का सी सर्टिफिकेट होल्डर रहने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई बिकम द सब लेफ्टिनेंट इन एनसीसी नेवल विंग। सब लेफ्टिनेंट होने के बाद केरल के कोचीन में हमारी नेवल बेस है, INS विंदुरथी, वहाँ पे प्री कमीशन के लिए भेजा गया। तो वो मिलिट्री के संस्कार, डिसिप्लिन, अनुशासन के संस्कार, जब मैं ऑफिसर करके वहाँ पर गया तो मेरा सर, जो सर हम यहाँ थोड़ा ब्रेक लेंगे, सर से बात और भी जारी रहेगी, अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। बाबा साहब के मिशन के लिए एक बार क्या 100 के 1000 बार जन्म लो, हजारों कुर्बानियां दो, उनकी कमी है ये जज्बा। मैं नेवी में लेफ्टिनेंट बना एनसीसी, उसमें एक बात मैंने पढ़ी, अनुशासन। अक्टूबर 1956 एक महान क्रांति का उदय, एक बोधिसत्व का उदय जब हुआ धम्म चक्र गतिमान, भारत की यही है शान। तब से अब तक धम्म चक्र की गतिमानता देखिए। धम्म क्रांति के 57 वर्ष केवल आवाज इंडिया टीवी पर। जय भीम, फिर से इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। सर से हम जानकारी ले रहे हैं क्योंकि ये जानकारी जो है वो उनके जीवन संघर्ष की जानकारी है। तो सर, जैसे कि हम इस वक्त, इसके पहले जैसे कि मैंने पूछा कि आपको बहुत जगह मार खानी पड़ी और ये मार खाने के बावजूद भी आपका जज्बा कहीं पे कम नहीं हुआ, वो
मजबूत रहा, ये तो आप बता रहे थे कि मैंने मिलिट्री की ट्रेनिंग ली या एनसीसी के कैडेट बने, इस वजह से मुझे लगता है कि इस वजह से कम होगा शायद, लेकिन वो कि बाबा साहब के लिए मर मिटना है, इस वजह से शायद आपको कुछ न लगा। नहीं, ये तो है, बाबा साहब के मिशन के लिए एक बार क्या 100 के 1000 बार जन्म लो, हजारों कुर्बानियां दो, तभी कमी है ये जज्बा। मैं नेवी में लेफ्टिनेंट बना एनसीसी में, उसमें एक बात मैंने पढ़ी, अनुशासन डिसिप्लिन, और हमें यह पढ़ाया जाता है कि शांति के समय में जितना तुम पसीना बहाओगे उतना युद्ध भूमि पर कम खून बहाना पड़ता है, आय के ख्याल ये सीख दी जाती है। तो इसका पूरा पूरा अनुकरण, इसे डिसिप्लिन कहते हैं, यानी पूरे लॉन्ग मार्च को पूरे सैनिक की डिसिप्लिन से चलाने का जो, और सारे इसलिए घबरा गई थी, बाजार बुन गए चाहे फौजी लकड़ी घबरत नहीं, लेकिन शिस्तबद्ध सैनिकों की जो हमने पूरे ये बनाए, ट्रूप्स बनाए, प्लेटून्स बनाए मिलिट्री के तरह, और वो चलते थे, तब सरकार घबरा गई है। तो ये जज्बा जो था बाबा साहब के मिशन के लिए, नामांतर के लिए, सम्मान और स्वाभिमान के लिए, जो बाबा साहब ने हमें दिया, जो देन हमें दिए, उसके लिए तो कुर्बानी का जज्बा तो था ही, लेकिन इस कुर्बानी के जज्बे को अनुशासित तरीके से भीम सैनिकों के रोम रोम में कैसा पहुंचाया जाए, मेरे में जज्बा था, मेरे साथियों में वो जज्बा डिसिप्लिन के साथ आए। मरना तो है ही, लेकिन लड़ाई करते वक्त किस तरह से लड़ाई करनी चाहिए, ये युद्ध नीति जिसे हम कहते हैं, वॉर स्ट्रेटेजी से कहते हैं, वो वॉर स्ट्रेटेजी का पूरा फायदा नेवी में मैं लेफ्टिनेंट होने की वजह से मुझे मिला, और उस तरीके से मैंने कई बार मैंने लाठियां खाई। लॉन्ग मार्च जब बढ़ाया गया, बीवी से हम चले, आखिरी पड़ाव हमारा था, दूसरे बीड़ी से होते जाना पड़ता था, तो सिंधखेड़ राजा जिजाऊ मां साहब की जन्मभूमि है, वहाँ पे हमारा दूसरा पड़ाव था बीवी के बाद में। हम दोपहर में जब वो दूसरबीड़ गांव पार करके, आप तो थे उस वक्त, तो बीच पे बहुत ऊंचाई पर पुलिया है वो खड़कपूर्णा नदी के ऊपर में, राहरी गांव बाद उस पार राहरी गांव है इधर में, उसके पहले ही, और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाकर दो दिन पहले से पहले वो, ताकि वो उसके आगे ना बढ़े। तो पढ़ाया गया, कलेक्टर आए, डीएसपी आए, हमें बोला उनको वापस जाओ यहाँ से, हम कहा नहीं जाएंगे, हमको आगे जाना है। तो दोपहर में अड़ाया गया, तो रात के करीबन 12-1 बजे तक हम सड़क पर ही बैठे रहे, धरना देकर बैठे रहे, बारिश ऊपर से हो रही थी, और अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अब वो खड़कपूर्णा नदी का जो पुलिया इतना ऊंचाई पर है, और दोनों खाई है तरफ, दोनों तरफ अचानक लोग सड़क पर सोए थे, भीम सैनिक थके भागे सोए थे, आगे जाने के लिए पुलिस मनाई कर रही थी, अचानक लाठी हल्ला शुरू कर दिया ताकि लॉन्ग मार्च आगे ना पहुंचे, औरंगाबाद तक ना पहुंचे। कुछ पुलिस इंस्पेक्टर्स लोगों ने ऐसी कोशिश की वहाँ प्रोफेसर कवाड़े को कैसा समाप्त किया जाए, ये कोशिश वहाँ पर, वो खाई के अंदर में मेरे टांग में एक इंस्पेक्टर लकड़ी डालकर मुझे खाई के नीचे, पुलिया के नीचे फेंकने की कोशिश की। उतने में हमारी वर्धा की भगत नाम की हमारी माँ हमारे साथ में थी, उसने फट से मुझे पकड़ा, इधर खींचा, नहीं तो पुलिया के ऊपर से। ऐसी कई कोशिशें की गई, ये तो हुई, कोशिशें तो हुई। औरंगाबाद में जब हमारा दलित मुक्ति सेना का अधिवेशन था, कोई आंदोलन नहीं था, अधिवेशन था, वहाँ पर भी पुलिसों ने लाठियाँ चलाई, मुंबई के मोर्चे पर लाठियाँ चलाई, कई बार मुझे जख्मी किया, कई हाथ तोड़े गए मेरे, कई टांगे तोड़ी गई मेरी, कई सर फोड़ा गया खून से लथपथ, कई बार मुझे जेलों में डाला गया, ये जेल से निकला कि दूसरे जेल की गाड़ी तैयारी रहती थी, वहाँ से निकला कि तीसरी गाड़ी तैयार रहती थी, ऐसा करके मुझे काफ़ी महीनों तक जेल यात्रा करते रहा मैं, महीनों तक जेल यात्रा करते रहा, लेकिन हम तो जेल में थे,
लेकिन अम्बेडकरी समाज जो जागा हुआ था, कमाल का था। हम जेल में रहने के बाद जो आंदोलन को उन्होंने चलाया, 6 दिसंबर को हम तो अमरावती के जेल में थे ना। अब किस्सा देखिए ऐसा कि जेलों में जितने भी हमारे आंदोलनकर्ता भीम सैनिक जेलों में डाले गए, उनको राजनीतिक कैदियों का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए मैंने अमरावती के जेल में अनशन शुरू किया। दो दिन हो गए, बाहर में खबर फैली कि सर की तबीयत तो सीरियस हो गई। अफवाह का तो रहता ही हमारे में। तो अमरावती के लोगों ने करीबन 20-25 हज़ार लोगों ने मोर्चा निकाला। कहाँ? कलेक्टर ऑफिस पर नहीं, जेल पर मोर्चा निकाला। पहली बार ऐसा हुआ अमरावती के जेल पर। हजारों माता बहनें बूढ़े बच्चों का, 25-30 हज़ार लोगों का मोर्चा आया, रोका गया। उनका मोर्चे का एक ही मांग थी कि हमको ऐसी ऐसी खबर मिली है भाई, हमको सिर्फ आप बताइए सर कैसे है, दरवाजे के अंदर से बता दीजिए, हम देखेंगे और चले जाएंगे। वहाँ का जो जेलर था बड़ा कर्मठ जातिवादी सब का था, अधिकारी ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने मना ही कर दी, नहीं। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा तक इंतज़ार करते रहे, इतने चिढ़ गए लोग वहाँ पे, इतने संतप्त हो गए, जेल पर ही धावा बोल दिया उन्होंने। वो पुलिस होके क्वार्टर तोड़ दिए, जेल का क्वार्टर तोड़ दिए, जेल की घंटा तोड़ के लेकर गए, और क्या क्या लाठीचार्ज वहाँ पर भी हुआ। तो ऐसा बात में जब वहाँ से मुझे अकोला के जेल भेजा गया, तो अकोला के जेलर साहब ने हाथ जोड़ के कहा, सर बोले आप दिन में चाहे 100 बार किसी से मिल ले पर मोर्चा मत आने दो। राय नाम का जेलर था, अच्छा आदमी था। तो कई बार जेल यात्राएं की, तो और कई तरफ पाबंदियां लगाई गई। महाराष्ट्र के करीबन 20 जिलों में जाने की और भाषण करने की बंदी थी मुझ पर, 20 जिलों में। आपने मुंबई का नाम सुना हो, महानगरी है, देश की आर्थिक राजधानी है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तब भी किसी स्वातंत्र संग्राम आंदोलन करने वाले नेताओं को मुंबई पर पाबंदी नहीं लगाई गई, कभी नहीं। लेकिन पहला वक्त था, रिबेरो पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, पहली बार देश के अंदर में मुंबई में आने की और भाषण देने की पाबंदी मुझे लगाई गई 3 महीने के लिए। तो थाना में बैठकर आंदोलन चलाया मैंने, ऐसा किस्सा हुआ। कभी सुना आपने आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई जब लड़े थे गांधी जी और नेहरू जी और कांग्रेस वाले लोग, तो किसी भी नेता पर पाबंदी लगाई गई जो क्या कहते हैं, भगत सिंह जैसे, हमारे शहीद भगत सिंह जैसे वीर जो हो गए, ऐसे जो लोग थे उन पर पाबंदी। सर ये क्योंकि क्या है, जैसे अभी लॉन्ग मार्च की बात निकलती है और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, तो ये तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। और जैसे कि रंजीत मिश्रम सर का और मेरा भी जैसे आपको ये रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप लॉन्ग मार्च के ऊपर सही में एक जो पूरा ये हुआ इतिहास जो भी हुआ उसके बारे में लिखे, लेकिन हम इस माध्यम से आपकी आज की आज के वार्तालाप के माध्यम से हम सारी समाज को ये बताना चाहते हैं कि जैसे भी एक कोई आदमी, एक कोई नौजवान बाबा साहब के विचारों के आधार के लिए जब लड़ता है, तो उसका जीवन संघर्ष कैसे चलता है, किस किस माध्यम से, किस किस रास्ते से जाता है, कितनी कठिनाइयां आती है, ये सारी कठिनाइयों के वक्त में, ये सारे दौर में आपको कभी ऐसा हुआ कि भाई आप निराश हुए? नहीं, एक तो निराशा ये मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है। आज भी मैं दिख रहा हूं, या लॉन्ग मार्च के वक्त जो मुझे मारने की कोशिश की, समाप्त करने की कोशिश की, कहीं लाठीचार्ज, कहीं जेल यात्रा, यहाँ पाबंदी वहाँ पाबंदी, यहाँ भाषण बंदी वहाँ जाने की बंदी, अरे शासन के तरफ से मुझे समाप्त करने की हर संभव कोशिश की गई। आज भी जो मैं खड़ा हूँ, इच्छा शक्ति के बदौलत खड़ा हूँ, और ये इच्छा शक्ति दुर्दम्य आशावाद और दुर्दम्य आकांक्षा, ये बाबा साहब की देन है, उनके आंदोलन की देन है, उनके विचारों की देन है। और धम्म जो बाबा साहब ने दिया, उससे ज़्यादा और क्या बड़ा हो सकता है दान।
डॉक्टर बाबा साहब ने दिया, और इसीलिए कभी हमें पुलिसों की लाठी की कभी परवाह नहीं की, जेलों की परवाह नहीं की, पाबंदियों की परवाह नहीं की। मैं हमारे समाज के नौजवान साथियों को बता देना चाहता हूँ कि साथियों, वो जवानी किस काम की जो समाज के काम ना सके, वो जवानी किस काम की जो समाज को न्याय ना दिला सके, वो जवानी किस काम की जो बाबा साहब के मिशन को और भगवान बुद्ध के धम्म को न्याय ना दे सके, क्या काम की। हो दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, चाहे वो आसमान फट पड़े, धरती फट पड़े, आसमान टूट पड़े, धरती फट पड़े, हमारे खून से कतरा कतरा बहे, लेकिन बाबा साहब ने जो सम्मान का रास्ता दिखाया है उससे कभी टस से मस ना हो। किसी का हम झुकने की जरूरत ही नहीं, हम नहीं झुके। ये इतिहास है हमारे आंदोलन का, और ये देने बाबा साहब की, झुकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, ये लॉन्ग मार्च बाबा साहब की देन है, उनके विचारों की देन है। लोग कहते हैं कि आपने कॉपी किया माओ सेतुंग की, आपने मार्टिन लूथर किंग की, नहीं, ये लॉन्ग मार्च। कोई साधन नहीं थे ट्रांसपोर्टेशन के, तभी बाबा साहब के महार के 14 तालाब के आंदोलन में भूखे प्यासे गाँव जहाँ से पैदल चलते, सैकड़ों में पैदल चलते लोग अपनी रोटियाँ बांध कर, कांदा भाग कर, प्याज। ये लॉन्ग मार्च की कल्पना मेरे दिमाग में आई, उसका कारण था बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महार के 14 तालाब का सत्याग्रह शुरू किया, वहाँ से संकल्पना मिली मुझे। बहुत कम लोग जानते हैं वो, तो माओ सेतुंग और वो मार्टिन लूथर किंग को ही बात करते हैं। उस वक्त ना तो गाड़ियाँ थी, ना घोड़े थे, ना बस थी, ना एसटी थी, ना कुछ था, कुछ था, कोई साधन नहीं थे ट्रांसपोर्टेशन के। तभी बाबा साहब के महाड़ के 14 तालाब के आंदोलन में भूखे प्यासे गांव देहात से पैदल चलते हुए, सैकड़ों मील पैदल चलते हुए लोग अपनी रोटियां बांध कर, कांदा भाग कर, प्याज जो कुछ भी बांध कर, 8-8 दिन की 10-10 की सूखी रोटी पानी भिगो खाकर वो लोग पहुँचे ना, वो क्या था, लॉन्ग मार्च था ना, वो दूसरा क्या था मुझे बताइए ना। तो महाड़ के 14 तालाब के सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए महाराष्ट्र के हमारी जनता भूखे प्यासे फटे हाल कपड़े लेकर कुछ नहीं पैदल चलते हुए, कोई रेल नहीं, कुछ भी नहीं था उस वक्त, ना बसेस थी ना रेल थी, वहाँ पहुँचे। ये भी तो लॉन्ग मार्च ही था ना। तो ये जब मैंने महाड़ के बाबा साहब के इस सत्याग्रह का इतिहास पढ़ा, तो बोला ये हमारे उस वक्त के लोग जा सकते हैं पैदल, क्या हम नहीं जा सकते जगाते हुए लोगों को, सोए हुए कौम को जगाते हुए, सोए लोगों को जगाते हुए। और आपको एक किस्सा सुना दो, मालेगांव हमारे उस वक्त का अकोला जिला, वाशिम के पड़ोस में मालेगांव, वाशिम के बाद का पड़ा वहाँ पर था, अरे जिसे दिल को दहला देने वाली बात जैसे कहते हैं, कैसी ताकत मिलते गई लोगों की, कैसी प्रेरणा मिलते गई लोगों की, ऐसा लगा था ऐसी समाज के लिए साला 100 जन्म कुर्बान हो जाए तो बेहतर होगा, ऐसा मेरा समाज है। वहाँ जब पहुँचे और जब मुझे कहता था कि वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता लोग थे वो गांव-गांव में घूमते थे, लॉन्ग मार्च आ रहा, इतने भीम सैनिक है, उनके खाने की व्यवस्था करना है तो गांव-गांव में जाके अनाज इकट्ठा करना, कोई दान देता वो इकट्ठा करना। एक गाँव में हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने सभा में किस्सा सुना है मुझे, जब शाम को सभा होती थी फिर उसका मुझे खाना होता था, चौहान नाम का हमारा कार्यकर्ता बोलते, जो ऑर्गेनाइजर था वहाँ का, उसने किस्सा सुना है। बोले गांव में गए हम, 4-5 लोग थे साथ में, बोरिया वगैरह ले को अनाज उनाज इकट्ठा करने के लिए, चावल है, गेहूँ है, आटा है, जो भी लेने के लिए। तो एक झोपड़े में हम गए, बोले वहाँ विधवा बाई ऐसी पड़की मुड़की तोड़की झोपड़ी, टूटी फूटी झोपड़ी थी बेचारी, विधवा बाई थी, 2 बच्चे थे उसके, सबके घर में जाते जाते वही अनाज इकट्ठा किया, उसके घर में जब गए, घर के सामने खड़े हो गए, शाम के वक्त 5-6 बज रहे थे, हमने बताया उसको कैसा ऐसे भीम सैनिक आ रहे हैं और वो तो क्या होगा कुछ पता नहीं, शायद वहाँ जाएगा औरंगाबाद में, शायद शहीद हो जाएगा, क्या होगा,
आज यहाँ पहुँचने वाले हैं, कल यहाँ पर शाम को पहुँचने वाले हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी है। वो बिचारी जितने भी मिट्टी के बर्तन थे वो खोज रही थी, मिट्टी के बर्तन, कुछ हल्के अनाज, जवारी है क्या, गेहूँ है क्या, आटा है क्या, सारे बर्तन खाली। बोल मजूरी करना रही भाई, एक मिट्टी के बर्तन में थोड़े बहुत जवारी थी, थोड़ी बहुत जवारी थी, ये सब देख रहे थे पर तमाशा, जो धान इकट्ठा करने के लिए गए थे। उसने पूरी की पूरी लाकर वो बोरी में डाल दी, इसलिए जय भीम के चलते में जाने के बाद में उनके ख्याल में आया, भाई के घर में देखे जितने भी मिट्टी के बर्तन खोज खोज कर कुछ नहीं मिला, और एक बर्तन में था तो सारा का सारा डाल दिया, बच्चों को क्या खिलाएगी रात में, परेशान हो गए। फिर वापस आए वो और उन्होंने कहा, भाई आपके तरफ जितनी सी जवारी थी आपके सारे के सारा इसमें डाल दिए, शाम को के बच्चों को क्या खिलाएंगे, या थोड़ा कुछ रख लो इसमें से थोड़ा सा आपके लिए, बच्चों के लिए। वो माता जी का क्या कहना देखिए, बोले हमारे भीम सैनिक बाबा साहब के नाम के लिए मरने के लिए जा रहे, बोले हम क्या चार दिन भूखे नहीं रह सकते, बोले ये जज्बा। अब ये किस्सा जब मालेगांव के सभा के अंदर में हमारे कार्यकर्ता जब सुनाया तो कौन आदमी है यार जो पीछे हटेगा, जो बाबा साहब के नाम के लिए अपने बच्चों को भूखी रख सकते हैं, 4 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चों को बाबा साहब के नाम के लिए मरने के लिए लोग जा रहे, शहीद होने जा रहे, बोले हम क्या भूखे नहीं रह सकते, बोले 4 दिन। ये हिम्मत, ये इमोशन, वो भावना, इस जिस प्रकार से ये हम जब इसे ये जिस प्रकार से प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर से लंबी चर्चा कर रहे थे, और मैं बीच बीच में कुछ प्रश्न भी पूछने चाह रहा था, रोकना चाहता था, लेकिन जिस प्रकार से ये आंदोलन चला और आंदोलन की जैसे ही बात आती है, यादें आती है, तो फिर सर रुकते नहीं, थमते नहीं। लेकिन एक आदमी, एक जवान जो बाबा साहब के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गया था, और उसने नागपुर से एक लॉन्ग मार्च निकाला और एक कहानी बन गई, हजारों लोग, लाखों लोग भावना के आधार पे, इमोशन के आधार पे बाबा साहब के नाम के लिए मर मिटने के लिए तैयार हुए। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि फिर यार नाम के लिए तो मर मिटने के लिए तैयार हो गए, विचारों के लिए क्या? और भी बहुत सारे प्रश्न, जैसे रिस्पेक्टफुल आइडेंटिटी इस समाज की बनी क्या, और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन आज हमारी चर्चा और आज हमारी मुलाकात सर से जिस प्रकार से हुई कि आने वाली पीढ़ी को जिस प्रकार से कोई भी आदमी, एक आदमी, एक नेतृत्व जब बड़ा बनता है, आगे जाता है, समर्पित भाव से पूरा जीवन दे देता है, तो उसका जीवन कैसे कैसे बनता है, किस प्रकार से, किस कठिनाई के दौर से गुजरता है। और जबकि क्योंकि जो नई वाले लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाबा साहब का नाम है, बाबा साहब की विचार है, और उसको आगे बढ़ना है, तो वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, इसका हमने अभी परिचय जोगेंद्र कवाड़े सर से लिया। हम तो चर्चा और भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वक्त कम है, और हम ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 3 दिन भी अपनी चर्चा यदि करते रहे तो भी कम रहेगा, इतिहास बहुत बड़ा है। लेकिन साथियों, जिस तरीके से बाबा साहब के नाम के लिए जिस आदमी ने कुर्बानी दी और हजारों लोगों को कुर्बानी करने के लिए तैयार किया, ऐसे कवाड़े सर को हम जय भीम करते हैं। और मैं भी आपको जय भीम करते वक्त हमारे तमाम देश के दलितों को बाबा साहब के मिशन के बारे में एक ही बात कहना चाहते हैं आखिरी में, हमारी आकांक्षाओं को मर्यादा है तो सिर्फ आसमान की, जो हमने सीखा बाबा साहब के मिशन से, उनके विचारों से, धम्म विचारों से, हमारी आकांक्षाओं की सीमा है आकाश, अब हमारी मौत भी हमें रोक नहीं सकती। इस जज्बे को लेकर भीम सैनिक, मेरे साथ हजारों भीम सैनिक, बाबा साहब की कौम, अब तक पूरी कौम ही बोल दीजिए ना आप, आज भी सर से कफन बांधकर बाबा साहब ने जो लड़ाई शुरू की, सामाजिक आज़ादी की लड़ाई, लॉन्ग मार्च रुका नहीं है,
वो शुरू की बाबा साहब ने लड़ाई, वो केवल पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, महा तालाब की, सामाजिक आज़ादी की, हमें तो राजनीतिक आज़ादी मिल गई, लेकिन बाबा साहब ने जो सामाजिक स्वतंत्रता की, सामाजिक आज़ादी की लड़ाई शुरू की, वो लड़ाई को जीतने के लिए हमारे नौजवानों में ये जज्बा होना चाहिए कि हमारे आकांक्षाओं की, हमारी आकांक्षा आकाश और हमारी मौत हमें रोक नहीं सकती आगे बढ़ने के लिए। सर ने जैसे बोला कि लड़ाई अभी जारी है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, लॉन्ग मार्च खत्म नहीं हुआ, विचारों की लड़ाई, विचारों का संघर्ष जारी रहेगा, क्या आप बाबा साहब के विचारों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं? इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय भीम।